आत्माओं जैसे सुशीतल है, जिनकी छाया में जगत को विश्राम मिलता है। अरे भाई, निताय के शरण लिए बिना राधा कृष्ण को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, इसलिए दृढ़ता से निताय के चरण कमल को पकड़े रहो। जिसका निताय से कोई संबंध स्थापित न हुआ हो, मानो उसका जन्म वृथा चला गया, वह व्यक्ति दुराचारी पशु के समान है। यदि कोई मुख से निताय का नाम न बोलकर सांसारिक सुखों में ही मग्न रहता है, तो उच्च विद्या या उच्च कुल भी उससे तार नहीं सकता। अहंकार में मतवाला होकर तथा निताय के चरणों को भुलाकर वह असत्य को ही सत्य मान बैठता है। जब निताय की करुणा होगी तो ब्रज में राधा कृष्ण मिल जाएंगे। अतः निताय के चरण जुगल को पकड़े रहो। निताय के चरण सत्य है, उनका सेवक नित्य है। निताय के चरणों की सदा आशा रखो। नरोत्तम दास बड़ा दुखी है। हे निताय, हे नित्यानंद प्रभु, मुझे सुखी करो तथा अपने चरण कमलों के पास मुझे रखो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी की जय। नित्यानंद प्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानातिमिरंधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे संकर्षण कारणतय साई गर्भदशाई च पयब्धिसाई शेषश्च जस्यांशकला सह नित्यानंदाख्यरामं शरणं ममास्तु। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिनी कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। नमः महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। आनंदलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वंभरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमः त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्रायते नमः। अवतीर्णौ शोकारुण्यौ परिछिन्नौ सदीश्वरौ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दौ दौ भ्रातरौ भजे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द जय
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम श्री कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम श्री कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम श्री कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम श्री कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम श्री कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र वही माताएं सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम श्री कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र
श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। श्री कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला की पांचम अध्याय की चार नंबर और पांच छह नंबर श्लोक है। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है। बेमूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। दोहराइए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत है। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, आदि पुरुष है, ईश्वर के मूल स्वरूप है और उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम है। भगवान अपना विस्तार असंख्य रूप में कर सकते हैं। जिस रूप में असीम शक्ति होती है, जिस रूपों में असीम शक्ति होती है वे स्वांश कहलाते हैं और जिनकी शक्ति सीमित होती है वे जीव वा विभिन्नांश कहलाते हैं। बलराम श्री कृष्ण के स्वांश विस्तार है, अतः कृष्ण तथा बलराम की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है। भगवान के प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम प्रथम चतुर्भुज में प्रधान विग्रह है और भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप में अग्रणी सहायक है। वही बलराम ही अभी किस रूप में प्रकट हुए हैं? श्री नित्यानंद राम के रूप में प्रकट हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य कहाँ पर हुआ था? नवदीप माझे मायापुर नाम ग्राम तथाई जन्मिलेन गौरचंद्र भगवान। नवदीप में एक मायापुर नाम के गांव है, जिस गांव में गौरचंद्र भगवान की आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु की जन्म ये नवदीप धाम में नहीं हुआ था। इनकी जन्म कहाँ हुआ? एक चक्र गांव, बहुत दूर में है। ये चैतन्य भागवत में इसकी वर्णना आती है। पूर्वे प्रभु श्री अनंत चैतन्य आज्ञाय राढ़े अवतीर्ण हई आछे न लीलाय हाड़ोझा नामे पिता माता पद्मावती एक चका नामे ग्राम गौड़ेश्वर जथी मौड़ेश्वर जथी। यद्यपि श्री अनंत देव बा स्वयं शंकरसन जो कि जैसे प्रणाम मंत्र में कहे कि इनके प्रणाम मंत्र स्वरूप दामोदर गोस्वामी लिखते हैं अपने डायरी में, शंकरसन कारणतय साई गर्भत साई च पयब्धि साई शेषश्च जस्यं सकला सह नित्यानंदाख्य रामं शरणं ममास्तु। मैं उन नित्यानंद राम के शरण ले रहा हूँ, उनके चरण में शरणागत हो रहा हूँ, जिन्होंने ये सभी के हैं, सभी के ही कारण है। किसके? संकर्षण और कारण तो कारण दो साई विष्णु, गर्भ तो साई विष्णु तथा क्षीराब्धि साई विष्णु, ये समस्त तथा अनंत शेष शेषस्त जस्यं सकला अनंत शेष आदि
ये सभी के जो स्रोत है, मैं उन अनंत गुणधाम नित्यानंद को मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए कहते कि ये चैतन्य महाप्रभु के आदेश में ही नित्यानंद प्रभु राढ़ देश में अवतीर्ण हुए। राढ़ देश को किसको कहते हैं? जिस देश में गंगा नहीं बहती है, बंगाल में जिस अंचल में गंगा नहीं बहती है उसी अंचल को कहते हैं राढ़ देश, अर्थात बड़ा अनुन्नत देश है। वहाँ गंगा नहीं बहती तो इतना उर्वर नहीं होता मिट्टी, खेती इतनी अच्छा नहीं होता, अनाज नहीं उगते अच्छे हैं। इसलिए इसी प्रकार अनुन्नत अंचल जो राढ़ देश में ही गौरांग महाप्रभु की आदेश को लेकर नित्यानंद प्रभु जन्म हुए। बाल हैं, उनके माताजी पिताजी के नाम क्या था? ना हाड़ो ओझा नामे पिता, माता पद्मावती। पिताजी के नाम था हड़ाई पंडित बा हड़ाई ओझा, माता थे पद्मावती। गांव के नाम था एक चक्र गाँव, एक चक्र नामे। उस गांव में और विशेषता था कि मौड़ेश्वर नाम के एक महादेव की मंदिर था, जिस मौड़ेश्वर महादेव को कौन पूजा करता था? हड़ाई पंडित पूजा करते थे और एक पुत्र की कामना करते थे। उसी गांव में ये मौड़ेश्वर महादेव भी रहते हैं, और उसी गांव में ये नित्यानंद प्रभु की जन्म हुआ। लेकिन पिताजी तो ब्राह्मण थे, कौन? हड़ाई ओझा, हड़ाई पंडित। इनके नाम मुकुंद भी था, ये सांडिल्य गोत्र ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे। लेकिन इनके माताजी पद्मावती ये ब्राह्मण परिवार के नहीं थी, माताजी राजकन्या थी हैं। ये मयूरेश्वर आज भी वहाँ पर जाते हैं भक्त लोग, क्योंकि वहाँ पर वो नित्यानंद प्रभु ने बाल्यकाल में अपने कुंडल को निकाल कर एक नाग को बंधन करने के लिए रख दिए थे, आज भी जाते भक्त। तो उसी गांव में नित्यानंद प्रभु के मामा की गांव है वो, अर्थात उनके माँ की जन्म वहीं हुई थी, कहाँ? मयूरेश्वर में। तो उनकी जो उनके माताजी के जो पिताजी थे मुकुट राय, ये राजा थे हैं, ये क्षेत्रीय राजा थे, छोटे राजा, छोटे अंचल के ऊपर वो शासन करते थे। लेकिन राजकार्य में व्यस्त होने के कारण इन्होंने उनके एक लड़की था, शादी की उम्र में हो गया था, लड़की का शादी के बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं करते थे। किसका? पद्मावती उनकी लड़की थी, शादी के बारे में चिंतन। लेकिन उनकी रानी जो थी बार बार चिल्लाती थी, ये क्या कर रहे हो, लड़की की उम्र हो गया तुम, अब तुम चिंता नहीं है इसके शादी के बारे में। प्रभुपाद जी ने भी एक लेख थे एक जगह में, एक तात्पर्य में कि मेरे हमारे घर में भी मैं देखा हूँ। प्रभुपाद जी कहते कि मेरे जो बहन थी वो 12 साल की उम्र में हो गई तो हमारे माँ चिल्लाती थी पिताजी को तो शादी नहीं करा रहे हो हैं। तो इस प्रकार ये जो बार बार रानी ने चिल्लाने लगी, एक दिन राजा को बड़ा है मुकुट राय को बड़ा गुस्सा है, बोला कि ठीक है, आज रात में सो रहा हूँ, कल सुबह उठ के जाऊँगा शंकर जी के मंदिर में, जिसको देखूंगा उसी को मेरे लड़की शादी करा दूंगा हैं। अरे बड़ा अद्भुत हुआ, तो प्रतिज्ञा ले लिए राजा, भगवान को स्मरण करके शंकर जी को स्मरण कर रात को सो गए, और सुबह उठी उठ के वही मंदिर में आ गए जो हड़ाई ओझा, जिस मंदिर में शंकर जी की पूजा करने जाते थे मौड़ेश्वर महादेव। तो हड़ाई ओझा तो प्रत्येक दिन जाते ब्रह्म मुहूर्त में जाके आप भगवान की सेवा करते रहते हैं। कोई कहता है कि उस दिन बहुत जोर झड़ बारिश होने के लिए रात भर भी वहीं पर रुके थे वो, और सुबह सुबह उठकर मंदिर को क्या करते थे, मार्जना करते थे, झाड़ू लगाकर पानी में धोते थे मंदिर को, पूरे शंकर जी का मंदिर को। और उसी समय पहुँच गए कौन? मुकुट राय राजा ने पहुंच गए पद्मावती के पिताजी, और देखिए ये तो पहले ही ब्राह्मण को देखा, शंकर जी को स्मरण करके कहे कि देखो हैं मुकुंद ओझा बा हड़ाई पंडित, पंडित थे इसलिए इनको हड़ाई पंडित कहते थे, आज मेरा प्रतिज्ञा को आप सुन लो, मैंने प्रतिज्ञा करके कल रात को सोया था कि सुबह उठकर मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगा, मोड़ेश्वर महादेव के मंदिर में, जिसको देखूंगा उसी को कन्या दान कर दूंगा, अभी सबसे पहले मैं आपको ही देखा इसलिए आपको मेरे कन्या के पानी ग्रहण करना पड़ेगा हैं, शादी करना पड़ेगा। वो चमक गए कौन? हड़ाई ओझा, क्योंकि ये कैसा संभव है, क्यों बड़े वैरागी थे हैं, ये तो ऐसा ही हो गया जैसे जयदेव गोस्वामी के लिए हैं जगन्नाथ ने भेज दिए एक लड़की को, किसको? उसका नाम भी क्या था? पद्मावती हैं, वो भी ब्राह्मण कन्या थी।
और जयदेव गोस्वामी महावैरागी थे, वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करते थे। और जगन्नाथ बोले कि इसको लेके छोड़ दो उसके, आए पद्मावती के, वो उसके पिताजी ने भी जगन्नाथ जी की कृपा से प्राप्त की थी। और जगन्नाथ जी ने कहे कि तुम्हारे कन्या की जो उपयुक्त पति वो जयदेव है, इसी को लेके छोड़ दो, वो भी मेरा भक्त है, तुम्हारी कन्या भी मेरी भक्त है। हैं ऐसा ही हुआ, जयदेव भी छोड़ते भाग जाऊँगा रात में, लेकिन उस कन्या ने पद्मावती ने उनके चरण कमल को पकड़ ली थी, अब छोड़ नहीं पाए जगन्नाथ जी की इच्छा से। हाँ, जैसे जयदेव गोस्वामी की पद्मावती के साथ साथ ये पद्मावती अलग है, वो सेम पद्मावती नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही घटना हुई। हड़ाई पंडित तो पंडित बड़े महावैरागी थे, संसार के प्रति उनकी आसक्ति नहीं था, सब भगवत भजन में दिन रात बिताते थे। राजा जो कहे कि मेरे कन्या को तुमको मैं शादी में दे रहा हूँ, तो वो चमक गए, बोले नहीं ये असंभव है, नहीं हो सकता। लेकिन राजा कहे कि मेरी प्रतिज्ञा भी अन्यथा नहीं होगा, हैं बाध्य होकर हड़ाई पंडित को फिर शादी करना पड़ा। किनको? पद्मावती को, राजकन्या को शादी करना पड़ा है। श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। तो इसी प्रकार हड़ाई उजार पद्मावती की शादी हो गई, परिणय हो गई। और तभी राजा ने देखे कि हड़ाई उजार तो भीख मांगने वाला ब्राह्मण है, मेरे कन्या को लेकर कैसे चलेगा, इसलिए राजा ने इनको एक गांव दान दिया, 7 गांव दान किए हैं। उसमें से मुख्य गांव था कौन सा? एक चक्र गांव, जिस गांव में हड़ाई ओझा निवास करते थे। तो इसलिए वो गांव आज भी वो पद्मावती पुष्करणी है। जो जाओगे आप एक चक्र गांव में, जिस पुष्करणी में स्नान करने के लिए प्रत्येक दिन अपने लड़की को पद्मावती को वो राजा ने खुदाई किया था, मुकुट राय ने वो पद्मावती माने पुखुर बा जो तालाब को खुदाई कर अपने लड़की के शादी ने स्नान करने के लिए व्यवस्था कर दी थी। और इसके जितने भी रहने रहने का चार उनके सारे सामग्री वो दिए थे, कौन? राजा ने दिए थे। केवल जमीन नहीं, इनकी गहनाएं, इनकी जितनी जो कुछ आवश्यकता है लड़की का पूरा जिंदगी बिताने के लिए, सारे सामग्री राजा ने दे दी थी। इसलिए ये एक चक्र गाँव में आकर निवास कर रहे थे दोनों, पद्मावती और हड़ाई पंडित बा। उनके नाम मुकुंद ओझा भी था, मुकुंद बा हड़ाई पंडित ये गांव में निवास करते थे। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते कि हाड़ ओझा नामे पिता माता पद्मावती, एक चाका नामे ग्राम मौड़ेश्वर जथी। एक चक्र नाम के गांव में जहां पर मौड़ेश्वर महादेव निवास करते हैं, उसी गांव में ये हाड़ा ओझा और पद्मावती दोनों निवास करते थे। और वही पद्मावती के गर्भ में किसकी जन्म हुआ? नित्यानंद राम की जन्म हुई है। पद्मावती कौन सा दिन जन्म हुआ? माघ शुक्ल त्रयोदशी तिथि। सप्तमी में अद्वैताचार्य की जन्म हुआ था और त्रयोदशी में नित्यानंद प्रभु। आज इसलिए कहते कि इसको नित्यानंद त्रयोदशी, त्रयोदशी ने नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव हुआ था। लेकिन जब ये जन्म हुए, पहले राढ़ा देश में खाना पीना ठीक से नहीं, बारिश नहीं होता था, कई दिनों से फसल उगता नहीं था, लोग बड़े दुखी थे, पानी भी पीने के लिए ठीक से लोगों को मिलता नहीं था। लेकिन जिसी दिन जब से नित्यानंद प्रभु अपने माँ के गर्भ में प्रवेश किए, किसी गर्भ में? पद्मावती गर्भ में, आस्ते आस्ते उस अंचल में सभी शुभ लक्षण देखा देने लगा। आस्ते आस्ते बारिश भी होने लगा और खेती में अनाज भी उगने लगे, लोग बड़े आश्चर्यचकित हो रहे, कई दिनों से सालों से बारिश नहीं हो रहा था, आज बारिश कैसे होने लगा? हैं सही है ते राढ़े हईल सर्व सुमंगल, दुर्भिक्ष दारिद्र दोष खंडिल सकल। सही हेतु नित्यानंद प्रभु के ही आविर्भाव होने के कारण उस राढ़ देश में एक चक्र गांव की उस आसपास की जो अंचल में बारिश होने लगा, सभी प्रकार के मंगल होने लगा, जो दुर्भिक्ष और दारिद्रता आस्ते आस्ते हटने लगा। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु लगभग 13 साल पहले जन्म लिए थे। किसकी जन्म का? किसकी जन्म के 13 साल पहले? गौरांग महाप्रभु की आविर्भाव के लगभग 13 साल पहले वो एक चक्र गांव में जन्म ले लिए थे। और जिस दिन गौरांग के जन्म हुआ,
जे दीने जन्मीला नव दीपे गौर चंद्र जे दीने जन्मीला नव दीपे गौर राढ़े थाकी हुंकार करीला नित्यानंद राढ़े थाकी नित्यानंद प्रभु उस एक चक्र गांव में रहते थे जिस दिन गौरांग महाप्रभु की आविर्भाव हुआ था कहाँ मायापुर में उसी दिन नित्यानंद प्रभु ने बहुत जोर से गर्जना किया था हुंकार किए थे जोर से गौरांग इतने जोर से उन्होंने बोले थे कौन नित्यानंद कि ये ध्वनि जाकर ब्रह्मलोक तक पहुंच गया था आ? सारे देवताओं ने चकित होकर देखने लगे कहां से इतना जोर से कहां से हुंकार आ रहा नवदीप वासी ने सोचे अभी क्या हो रहा है आ? प्राय कोई तो कई कई लोग तो सो ब्राह्मण लोग मूर्छागत है सो प्राय मूर्छित होकर कई लोग गिर गए अरे क्या हो गया इतने जोर से हुंकार कौन है थोड़ा डर गए सब जैसे भूकंप हो गया है लेकिन कुछ लोग सोचे कि जैसे वज्रपात हो गया है और कोई कहे कि नहीं नहीं कुछ उत्पात होने वाला है इसके पहला सूचना है कोई कहा कि नहीं नहीं अरे गौड़ेश्वर गोसाई रो हई लो गर्जन हैं जो गोड़ा समग्र गौड़ देश का जो सम्राट है राजा है वो उनका ही गर्जन है वो बड़े हुंकार से हैं ऐसे हुंकार किया जैसे सिंह कभी कभी हुंकार करता है ऐसे ही भिन्न भिन्न सोचते थे लेकिन कभी नित्यानंद को पहचान नहीं पा रहे थे लोग ये जो नित्यानंद की ध्वनि है नित्यानंद की गर्जन है इसको लोग समझ नहीं पाते थे गौरांग के आविर्भाव होते ही नित्यानंद प्रभु ऐसे ही हुंकार किए थे तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु अपने को प्रकाश नहीं किए थे छोटा ऐसे साधारण बालक के रूप में उसी एकाचक्र गांव में रहकर खेला करते थे ये एकाचक्र गांव को अभिन्न ब्रज भी माना जाता है जैसे नवदीप पर वृंदावन में भेद नहीं देखा जाता ये धाम अपराध है तो उसी प्रकार एकाचक्र गांव जहां पर नित्यानंद प्रभु ने आविर्भाव हुए और लीलाओं को प्रकट किए उस एकाचक्र गांव को भी ब्रज वृंदावन से अभिन्न माना जाता है उस गांव में एक छोटे से नदी बहता है उस नदी को अभिन्न जमुना कहते हैं है? मैं उसी गांव में गया था मैंने जब एक चक्र में गया था लोकल जो पुजारी मैंने पंडे होते हैं मुझे समझा रहा था बोला ये नदी जो है ये अभिन्न जमुना ये जमुना है मैं बोला ये जमुना जमुना तो बड़े हैं बोला तुम विश्वास नहीं हो रहा है तो उन्होंने कहानी कहने लगा कहा कि देखो कलकत्ता के एक सेठ आया था एक बार एक चक्र में यहीं पर आया था तो हमारे जो पूर्वज थे तो उनको समझा रहे थे कि ये जो नदी छोटा सा है ये जमुना है उसको विश्वास नहीं हुआ बड़े को बहुत करोड़पति था उसके जो लाठी पकड़ा हुआ था दंडा उसके ऊपर सोना पूरा मड़ा हुआ था गोल्ड पूरा लाठी को पूरा गोल्ड गोल्ड प्लेटेड किया था गोल्ड उसको बड़ा आसक्ति था लाठी में उस लाठी को ऐसे ही नदी के किनारे खड़ा था पंख था है पंख हो गया था थोड़ा थोड़ा पानी था और पंख था उसी का ऊपर लाठी को बोला इसी को जमुना कह रहा है मुझे ठग रहा है हैं ऐसे कहे कि थोड़ा गुस्सा में बोला ये जमुना थोड़ी है जमुना मैं देखा हूँ वृंदावन में ऐसा कहे कि लाठी को जो ऐसा ही कर दिया लाठी आस्ते 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 पंख के अंदर अदृश्य हो गया छुप गया कहीं वो कहाँ गया वो बेचारा ढूंढते ढूंढते और लाठी मिला ही नहीं है कई महीने के बाद में फिर आया था वृंदावन वृंदावन आकर केसी घाट में पहुंचा और केसी घाट में उसमें पानी था बारिश का सीजन पर डुबकी लगा के जो स्नान कर रहा था उसके पैर में कुछ लग रहा था बार बार फिर डुबकी लगा के उठा के देखा कि वो वही लकड़ी था जिस लकड़ी को कहाँ खोया था वो एक चक्र गाँव में वो छोटा नदी में है वहाँ खो दिया था अर्थात नित्यानंद प्रभु के भक्त भी था नित्यानंद प्रभु जी को प्रतीत कराए देख किस प्रकार मेरे गांव में वो छोटा नदी भी ये जमुना से अभिन्न है इसलिए एक चक्र गांव को कहते कि ये ब्रज से अभिन्न है क्योंकि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम वहां पर आविर्भाव होकर बाल्य लीलाओं को भी प्रकट किए थे
लेकिन स्वयं को स्वयं भगवत्ता का परिचय नहीं देने के कारण साधारण लोग इनको समझ नहीं पाते थे, ये क्या है, छोटा बालक है बहुत सुंदर। लेकिन सारे लोग, गांव के लोग, ये सहज प्रेम था उनके प्रति, सहज रूप में ऐसे आकर्षित थे जैसे ब्रजवासी लोग ने कृष्ण को कोई भगवान थोड़ी जानता था, ऐसा ही सहज आकर्षण था कृष्ण के प्रति प्रेम है। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर कहते कि सभी जो नवदेश जो एकचक्र गांव वाले सहज प्रेम करते थे नित्यानंद को। हे न मते आपनालू काई नित्यानंद, हे न मते आपनालू काई नित्या शिशु गण संगे खेला करे न आनंद, शिशु गण संगे खेला शिशु गण संगे प्रभु जत क्रीड़ा करे, शिशु गण संगे प्रभु जत क्रीड़ा श्री कृष्णेर कार्य बिना आर नाही स्फुरे, श्री कृष्णेर कार्य बिना बच्चों के साथ में नित्यानंद खेलते रहते थे दिन भर है, धूली धूसरित होकर और सब बच्चों के साथ में कैसा खेला करते थे, खेलते थे कुश्ती कसरत, फुटबॉल नहीं खेलते थे बा, और कई प्रकार की गेम होता ना सुबह आप लोग खेलते, बच्चों खेलते हैं है? ऐसे कोई डोल लेकर नहीं घूमते थे, कैसे खेला करते थे ना, जो कृष्ण की कार्य कृष्ण लीला के संबंधित हैं लीलाओं को सब अनुकरण करके नित्यानंद प्रभु सबको ड्रामा सिखाते थे बच्चों को, ऐसा ऐसा लीला करते थे। कभी कभी कृष्ण जन्म की लीला करते थे हैं, कैसे करते थे ना, देखते कोई पृथ्वी बनता था, एक बच्चा पृथ्वी बनकर हैं जाकर और दूसरे ब्रह्मा बनता था, उसको जाई कहता था कि मेरे ऐसे दुख है, राक्षसों की बोझा बहुत हो गया है, कुछ करो इसके उपाय, और सारे देवता लोग सब कुछ बच्चे लोग देवता बन जाते थे, सब एकाठी होकर ब्रह्मा की साथ में जाकर वो जो एक चक्कर गांव में जो नदी था इसको खिरसा कर कह के साइड में खड़ा होकर सब प्रार्थना करते थे हैं भगवान को प्रार्थना। सो डायरेक्टर कौन है, ड्रामा का डायरेक्टर नित्यानंद प्रभु स्वयं, और कहते थे प्रार्थना करते थे, फिर दूसरा एक बच्चा पेड़ का ऊपर चढ़ जाता था, चढ़ के बोलता है चिंता मत करो, अभी थोड़े दिन में मिनंद जसोदा के पुत्र के रूप में आविर्भाव होकर गोकुल में ये राक्षसों को सब समाप्त करूंगा, चिंता मत करो है? तो ऐसे लड़ा करने लगे हैं, तो कभी कभी देखते थे कि पुतना बद्ध के लड़ा करते थे हैं, कोई पुतना बनता था डायरेक्ट, सब नित्यानंद प्रभु सबको बच्चों को इकट्ठी करके उसमें सिखाते थे पुतनाबद्ध, तो हमारे बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है, सिखाना चाहिए ना बच्चों को ऐसे ही बचपन से ऐसे ही लड़ा करना, नित्यानंद प्रभु सारे बच्चों को इकट्ठी करके सिखाते थे हैं? एक पुतना राक्षस जी बनता था, एक बाल कृष्ण बनता था, ऐसा सब फिर आता था वो आखिर पुतना राक्षस के स्तन में हैं, पुतना राक्षस जी अपने स्तन को मुख वो कृष्ण के मुख में देता है, फिर कृष्ण आए मुख लगा रहे इसके प्राण को सोच लेते, जितनी भी कृष्ण की बचपन का लीला है हैं, सकटा सुरेख हम जो ऐसे लकड़ी छोटा छोटा ऐसे ही बांस लाकर इसको लकड़ी बनाते, मैंने क्या सकड़ बनाते थे, और उसके अंदर फिर उसका नीचे कोई एक सोता था सकट के नीचे, फिर वो और दूसरे बच्चा जाकर जोर से ऐसे पिटाई ऐसे भरा देता, वो ढाई की उलट जाता था है, सकट उगल जाता था, सकटासुर की बद्ध होता था, तृणावर्त की बद्ध है, ऐसे सारे जितनी भी बचपन की लीलाएं है कृष्ण के सारे लीलाएं करते थे है। इसको देखकर लोग आश्चर्य होते कहाँ से सीखे लोग, अरे तुम लोग कहाँ से सीखते हैं सब है, कंस का बध भी सीखे, कंस बना कोई कृष्ण बलराम मथुरा में विजय करते, कुब्जा आ गई चंदन लगाया है, कुब्जा भगवान के साथ भगवान ने उसका अंगुली में पैर कैसे उठा दिए वो है, सुंदर स्त्री बन गई, ये सारी लीलाओं को एक एक करके लीला कृष्ण की जितनी भी लीलाएं सब करते थे हैं, नित्यानंद प्रभु बच्चों को सिखाते थे और बच्चे उनके डायरेक्शन में अनजे लीला करते थे, केवल कृष्ण लीला नहीं कभी कभी राम की लीला भी करते थे हैं, रामलीला में नित्यानंद प्रभु कौन है, लक्ष्मण है, एक दिन रामायण चलता था ड्रामा चल रहा था, और लक्ष्मण को कौन हुआ था, नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण हुए थे,
और लक्ष्मण हुए ड्रामा सिखाए, डायरेक्टर तो स्वयं थे लेकिन सिखाए थे, कह कि देखो रावण के साथ जो युद्ध होगा किसके, नित्यानंद के मैंने लक्ष्मण कहा पहले इंद्रजीत को लक्ष्मण ने वध कर दिए हैं, तो इसलिए रावण गुस्सा में आकर क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा, शक्ति भेद, और शक्ति भेद हो जाएगा किसके, लक्ष्मण के शरीर में, तो लक्ष्मण मूर्छित हो गिर जाएंगे, और नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बने थे, मूर्छित हो गिर जाएंगे, गिर जाएंगे तो जो हनुमान होगा वो जाएगा कहाँ, गंधवार्धन पर्वत को उठा के लेके आएगा, विशल्यकरणी लेके आएगा, वो अशोक पत्ता को लाकर ऐसे घिसके जो सुंघा हो गए फिर चेतना आ जाएगी किसकी, नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बने थे। अब बच्चा लोग ड्रामा करते करते रावण के साथ हो गया, इंद्रजीत का वध हो गया, रावण के साथ लड़ाई हो रहा था लक्ष्मण का, रावण आकर गुस्से में अपने पुत्र वध का प्रतिशोध लेने के लिए छोड़ा ब्रह्मास्त्र, आज जब शक्तिभेद हुआ लक्ष्मण के शरीर में, लक्ष्मण जो नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े, सत को साथ मूर्छित हो गए, मैंने श्वास भी नहीं चल रहा, जय देख रहे कि श्वास नहीं चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि शरीर छूट ही गया, हाँ सब बच्चे लोग ने रोने लगे, भूल गए वो जो डायरेक्शन था डायरेक्शन भूल गए, और सब घिर के लक्ष्मण को घिर के सब रोने लगे जोर जोर से निताय 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 अमर प्राणेर निताय, सब रोने लगे, अरे सब बड़े बड़े लोग आ गए, नित्यानंद के माता पिता भी आ गए, हड़े पंडित पद्मावती और सब आके देखे कि अरे क्या हो रहा है, निताय का तो श्वास ही नहीं चल रहा, क्या हो गया, सब रोने लगे जोर जोर से सब लोग, निताय का क्या हो गया, सभी निताय को अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करते थे, ये बुढ़े आदमी था, बोला क्या कर रहे थे, ऐसा कैसा हो गया इसके, पूछा थोड़ा बेसिक पेशेंस रख के, तो बोले कि हम लोग ड्रामा कर रहे थे, रामायण कर रहे थे, ये सिखाया हमको सब, कौन ये निताय ने सब सिखाया, और स्वयं लक्ष्मण बना था, और ये जो दूसरा बच्चा वो राम बना था, और दूसरा वो रावण बना था, रावण का पुत्र इंद्रजीत को मेघनाथ को ये वध कर दिया था लक्ष्मण, इसलिए रावण गुस्सा होकर आकर बाण छोड़ा, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और लक्ष्मण के शरीर में शक्तिभेद हो गया, लक्ष्मण तो यही बना था नित्यानंद, इसलिए वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। बोला अच्छा यही ड्रामा हो रहा था, इसे मूर्छित होकर पड़ा ना। बोला कौन है वो, हनुमान कौन है, हनुमान आ गया। बोला हनुमान तुमको कुछ बताया था, बोला हाँ याद आ गया, अभी मुझे जाना चाहिए, कहाँ, गंधवार्धन पर्वत, जो हनुमान मरा था भागा, फिर वो है भाग के गया, रास्ते में वो राक्षस मैंने एक कुंभरी को मारा, वो नदी के अंदर पे स्नान कर रहा था, कुंभीर पकड़ा है, फिर बाहर में आया राक्षस को, राक्षस आ गया उसको छोड़ता नहीं था, हनुमान को उसका लड़ाई हुआ, फिर लड़ाई करके उस राक्षस को में परास्त करके हनुमान आगे बढ़ा, गंधवार्धन पर्वत से क्या लेके आया, पूरा उठा के उठा रहा था, पूरा पर्व पहचान नहीं पाया कौन सा विशल्यकरणी, बोला पूरा पहाड़ की उठा ले जाता हूँ, वही अपने सुषेण वैद्य वही पहचान के पहचानेगा, तो वहाँ गंधर्व लोग भी लड़ाई करने आए, लेकिन उनको गंधर्व को परास्त करके हनुमान लेके आया गंधवार्धन पर्वत, आके थोड़ा पत्ता सुन लाया, जो हनुमान बना था पत्ता ला के सुषेण को दिया, जो वैद्य बना था उसको दिया, घिसके ऐसे थोड़ा सुंघा दिया, और हनुमान ने जो नित्यानंद प्रभु जो सोए हुए ने मूर्छित होकर पड़े थे तुरंत उठे जोर से आए, जय श्री राम, ऐसा कहा कि तुरंत उठे कौन, नित्यानंद, सब बच्चे जितने भी देख रहे थे सब ताली भर के सब हंसने लगे, बोले क्या ये लीला है, हैं ये बच्चों का क्या अद्भुत लीला है, हम लोग अभी रो रहे थे, हैं अभी ऐसे अद्भुत लीलाओं को नित्यानंद प्रभु प्रकट किए, बच्चों के साथ में ऐसे खेल खेल में भी ऐसे लीला को करते थे, कहाँ, एक चक्र गाँव में, इस गाँव में आज भी एक पेड़ है, हैं बकुल का वृक्ष, हैं बकुल ताला, क्या कहते हैं इसको, बकुल ताला, उस बकुल वृक्ष का ऐसा ही स्वरूप था, अभी जो ओरिजिनल बकुल वृक्ष तो अंतर्ध्यान हो चुका है कुछ साल पहले, अभी दूसरा बकुल वृक्ष उस स्थान पर लगा है, लेकिन जो ओरिजिनल वृक्ष था वो ऐसा ही था कि इसके डाल सब ऐसे हीरे फिरे रहते, जैसे खेलने में सहायता करता था नित्यानंद प्रभु को, वो वृक्ष में चढ़कर सब जंपिंग करते थे एक डाल से दूसरे डाल में ऐसा ही, और वृक्ष का पता कैसे था, सब सांप की फणे जैसे, इसे कहा जाता है कि स्वयं अनंत से ऐसी नित्यानंद लीला में सहायता करने के लिए वहां पर बकुल वृक्ष के रूप में प्रकट थे, बच्चे लोग ने उसी बकुल वृक्ष में जंपिंग करके खेलते थे, सब खेलते थे एक डाल से दूसरे डाल में, बकुल ताला कहते थे, आज भी उसे जो कोई फेस्टिवल मनाते थे उस पत्ता को लाकर उसी में खीर खाते थे,
चामच जैसे, स्पून जैसे होता था, एकदम सांप की फणा जैसा, वो पत्ता की नहीं जो वृक्ष की, ऐसा ही स्थिति था वहाँ पर। नित्यानंद प्रभु ने कई लीलाएँ की है, मैं सारे डिटेल कहेंगे तो क्लास का समय और कुछ बोलना चाहिए, तो इसलिए वो वृक्ष आज भी वहाँ पर है, उसको कहते बकुल ताला है। उसी गांव में उनके छोटा भाई भी रहता था, इनकी नित्यानंद प्रभु की एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था बांकाराय। क्या था? बांकाराय है। ये नित्यानंद छोटे भाई का नाम था बांकाराय। दोनों भाई यहाँ भी नवद्वीप में जब प्रकट हुए थे, गौरांग नहीं, गौरांग के बड़े भाई थे कौन? विश्वरूप। ये भी कृष्ण बलराम, वहाँ दूसरे सेट के कृष्ण बलराम थे, कहाँ? एक चक्र गांव में हैं। ये बांका राय छोटे थे, ये भी 12 साल उम्र में अंतर्ध्यान हो गए। वो बांका राय वहाँ अंतर्ध्यान होकर फिर यहाँ पर गौरांग के रूप में प्रकट हुए हैं नवद्वीप मायापुर में। ये बांका राय उनकी छोटे भाई थे, और दोनों भाई हैं कहीं भी जाते थे, खेलते थे रामकृष्ण की तरफ हैं, जाते थे, घूमते थे, फिरते थे। लेकिन जब ये छोटा जो लड़का था बांका राय, विशेष रूप में इसके पिताजी को सहायता करता था खेती बाड़ी में, इनके बहुत खेती था, राजा ने दान दिया था बहुत जमीन, और जाते थे खेती में, ऐसे लोग 200-250 से 300 लोग ऐसे एक साथ में काम करते थे, उस समय तो ट्रैक्टर फ्रैक्टर नहीं था, लोग से ही कार्य होता था। तो ये बांका राय कभी कभी जाता था फील्ड में खेती में जाता था, सब लोगों को देखने के लिए क्या कर रहे हैं ठीक से, उनके लिए थोड़ा आजकल भी बंगाल में इस रीति है, दोपहर के समय बाद थोड़ा पहले उड़ीसा में भी जो काम करते खेती में उनके लिए कुछ खाना लेके जाना पड़ता है, वो खाना खाते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके फिर काम करते हैं, और फिर दोपहर हो जाता तो फिर वो जाते घर में लंच खा के फिर आते हैं, बीच में थोड़ा गैप रहता है 12 से 3। तो बांका राय ने गए एक बार खेती में, जाकर देखे कि 2,000 से 2,500 लोग लगे हुए हैं खेती को, सब साग खेती का, धान की खेती में सब घास को उखाड़ कर, घास और बाड़ूंगा कहते ना एक प्रकार की, धान पेड़ जैसा दिखाई पड़ता है लेकिन धान का वृक्ष नहीं होता वहाँ, वो धान के पेड़ नहीं होता है वो, लेकिन दिखाई पड़ता धान जैसे है, इसे उखाड़ के फेंकना पड़ता है। लगभग 200 एकड़ जमीन, बहुत बड़ा जमीन था, सभी लोग उखाड़ उखाड़ फेंकते थे सुबह से ही हैं, 250 से 300 लोग लगे हुए थे काम में। बांका राय बोला कि अरे आप लोग को भूख नहीं लग रहा है, आप लोग जाओ सब खाने पीने के लिए जाओ हैं, ऐसे क्या कर रहे हो उधर, जाओ मैं सुबह यहाँ देखभाल करता हूँ। तो सभी लोग जो खाने के लिए घर में गए, बांका राय ने अकेले शुरू कर दिया अपने काम घास उखाड़ना, लेकिन जो कई घंटे 2-3 घंटे में बीच में 12 से 3 पर जो वापस आए सब लोग, आके देख रहे हैं कि ये 2-2.5 एकड़ का जमीन में जितनी भी खेती है, सारे खेती में कहीं भी एक भी घास, सारे घास इतनी हजार लोगों की काम ये छोटा बालक अकेले कर चुका है हैं। वो लोग ने बड़ा आश्चर्यचकित होकर रह गए, बोले कैसे हुआ है। वो ये बात को बोलने के लिए जाता, हमारे के लिए तो काम ही नहीं है, और वो जा रहे थे इसको बोलने के लिए, किसको? हड़ाई ओझा को हैं, तो उनके पिताजी को बोलने के लिए जा रहे थे। अरे गाँव के लोग सभी इकट्ठे होकर आए, नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ थे देखने के लिए, कहा कैसे संभव है। इनको देखकर वो जो छोटा बालक था 12 साल की लड़का कौन बांका रहा है, बहुत बड़े घास की ढेरे की पीछे छुप गए। इनको देखकर छुप गए, देख रहे कहाँ छुप गया, बुलाने लगे सब लोग, बांके राय, बांका राय, बांका राय, बांका राय, लेकिन कोई आवाज नहीं है। चारों साइड लोग फिर ऐसे घिर के ढूंढे, लेकिन कहीं था नहीं। शून्यवाणी हुआ, और आप मुझे इसी रूप में कभी और दर्शन नहीं कर पाओगे हैं, अभी मैं अंतर ध्यान हो चुका हूं और मुझे तुम लोग दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको जाना था कहां, यहां अब मायापुर में आकर फिर निवाय के रूप में यहां आविर्भाव होना था, क्योंकि वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, मैं अंतर ध्यान हो चुका हूं, लेकिन अगले जो एकादशी आने वाला है, इस एकादशी का दिन है मेरे एक विग्रह भासते भासते आएगा नदी में इसी मोड़ेश्वर, भाई जो जमुना नदी में भासते भासते आएगा, उसको मोड़ेश्वर नदी भी कोई कहते, जमुना नदी में भासते भासते आएगा, और उस विग्रह को लेकर तुम लोग मुझसे अभिन्न मानकर उस विग्रह को पूजा करते रहना। ये जो आदेश हुआ शून्यवाणी से, तो नित्यानंद प्रभु स्वयं सारे दूसरे वासियों को, सब एक चक्रवासियों को लेकर वेट किए,
और समय पर एकादशी के ठीक छो नदी किनारे देखे, आज भी इसको कहते कदम खंडी, जहाँ पर बांकराय के विग्रह मिला था उसको कहते कदम खंडी, आज भी वो घाट है। हमारे जो इस्कन के सेंटर है उसके साथ ही जुड़ा हुआ प्रकाट घाट है, लगा हुआ उसके ऊपर ही हमारे इस्कन सेंटर है। तो जाइए देखे कि सतकुशत विग्रह वास्ते हुआ, कोई कहते कि विग्रह नहीं था वो लकड़ी था, बाद में इसको विग्रह में परिणत की गई, लेकिन कोई कहते नहीं विग्रह के रूप में ही भास किया आ रहा था। तो लोग गए जाए देखे विग्रह भाष, नित्यानंद प्रभु स्वयं पानी में उतरे, उतर कर सो विग्रह को उठा के लेके आए, लाकर स्वयं इस विग्रह को पूजा करते थे। कौन सा विग्रह? बांका राय के विग्रह। आज भी ये विग्रह एक चक्र गाँव में है, हम जो जाते तो उसी विग्रह है कि मुख्य आकर्षण है, जाते उसी विग्रह को दर्शन करने, बांका राय के विग्रह, जिस विग्रह को नित्यानंद प्रभु स्वहस्त में सेवा पूजा करते थे, और अंत में उसी विग्रह में भी नित्यानंद प्रभु प्रवेश कर गए थे, उसी विग्रह में अंतर्ध्यान हो गए थे। उस विग्रह आज भी वहाँ पर है, बांका राय के विग्रह उसी एक चक्र गाँव में। कहते कि बांका राय के जब प्रकट हुए वहाँ पर भादेपुर नाम के गांव के ही पास में गौर गोविंद महाराज लिखते हैं कि भादेपुर गांव में भादेपुर का ठाकुरानी एक नीम वृक्ष के नीचे राधारानी भी प्रकट हुई, सब जाकर राधारानी को लाकर उनके पास में स्थापन किया गया। किसके पास में? बांका राय के पास। लेकिन वहाँ के पुजारी लोग बोलते ये मतलब वो अलग कहानी बोलते हैं, वो बोलते नहीं नहीं ये तो जाह्नवा माता है, नित्यानंद नित्यानंद जो एक विग्रह में प्रवेश कर गए इसलिए उनके पास में जाह्नवा माता के विग्रह बनाया गया। जो भी है तो आज बांका राय के विग्रह उसी गांव में है, उनकी पूजन होती है, नित्यानंद प्रभु इनको स्वहस्त में बचपन में पूजा किया था और आज भी ये पूजा चल रहा है। नित्यानंद प्रभु इस प्रकार कई अद्भुत लीलाएँ सारे सुंदर वर्णन भागवत चैतन्य भागवत में है, जिनको बंगाली पढ़ना आता तो बहुत सुंदर इसको आस्वादन कर सकता है, इसे गाने में बहुत टाइम जाएगा इसलिए मैं नहीं गा रहा हूँ। लेकिन तो इसी प्रकार उस गांव में एक हंटू घोड़ा भी है, हंटू घोड़ा देखिए एक जाओगे एक छोटा कुंड है, एक तलाव जैसे हैं, तलाव जैसे हैं, आज भी लोग जाकर उसमें स्नान करते हैं, जैसे गंगा सागर मेला होता है उस समय में वहाँ भी एक मेला होता है मकर संक्रांति के टाइम, उसको कहते कि हंटू घोड़ा। वो पुष्करणी को लोग गंगा से अभिन्न मानता है, वहाँ के लोकल लोग सब आकर उसी में स्नान करके सोचते कि हम कहाँ स्नान कर लिया, गंगा में स्नान किया, कि नित्यानंद प्रभु ने सारे तीर्थों को उसी कुंड में व उस तालाब में स्थापन किया था। और सभी लोग सारे ग्वाल बाल सखाओं के साथ में लेकर एक चुड़ा दही की महोत्सव, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के समय में किए थे कहाँ पानीहाटी में, ऐसा ही चुड़ा दही की महोत्सव है वहाँ भी मनाए थे, वहाँ से छोटे बालक सब गोप बालक जैसे थे ग्वाला के समान लीला करते थे, वहाँ पर भी एक ऐसे हंटू माने हंटू क्या समझ रहे बंगाली में, नी जिसको कहते, से हंटू के ऐसे नीचे लगाकर सब लींटे लगाकर वहाँ पर बैठकर सब चूड़ा दही खाए थे नित्यानंद प्रभु के सामने। नित्यानंद प्रभु वहाँ पर इस तरह माने सारे तीर्थों का आवाहन करके ही उस तालाब को वहाँ पर प्रकट किए थे और सभी लोग उसी में स्नान कर रहे थे बाल लीला में, और आज भी वहाँ के लोकल लोग भी जाते उसी कुंड में स्नान करते हैं। आज उसी गाँव में पद्मावती पुष्करणी भी है, आज जो इस पुष्करणी में क्या होता है पद्मावती स्नान करते थे, नित्यानंद प्रभु भी अपने साथी में उनके साथ में भी उसी में स्नान करते थे। ऐसे कई अद्भुत लीलाएँ उस गांव के इसलिए अभिन्न ब्रज कहते हैं। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु 13 साल की उम्र में हो गए एक दिन एक अद्भुत ब्राह्मण उस गाँव में पधारा तो एक ब्राह्मण पधारा उस ब्राह्मण को कोई पहचाना नहीं था, कोई कहते कि उस ब्राह्मण का नाम शंकरारण्य था, क्या था शंकरारण्य नाम की वो सन्यासी ब्राह्मण है सन्यासी था है? कोई कहते कि वो विश्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई है वो सन्यास लेकर वही शंकरारण्य नाम लेकर वहाँ गए थे, नित्यानंद प्रभु के पिताजी से फिर नित्यानंद प्रभु को मांग लिए थे। लेकिन ये बात को सभी लोग नहीं मानते हैं क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई जो थे विश्वरूप वो सिर्फ 4 साल बड़े थे किससे चैतन्य महाप्रभु से, और नित्यानंद प्रभु 13 साल बड़े थे, 9 साल बड़े व्यक्ति वो सन्यासी लेकर आकर इनसे कैसे ले जाएगा, इसलिए कई लोग स्वीकार नहीं करते। कोई कहते कि नहीं ऐसा नहीं,
प्राचीन काल में सन्यासी तो हाँ शंकराचार्य तो 8 साल में सन्यास ले लिए थे और कि माधवाचार्य 12 साल में सन्यास लिए थे, चैतन्य महाप्रभु 24 साल में सन्यास लिए। लेकिन आया था लेकिन जो भी है वो सन्यासी एक दिन आया, एक दिन हड़ाई ओझा घर से निकाल कर खेती में कुछ काम खेती में जाने निकाल रहे थे घर से, एक अद्भुत सन्यासी आकर इनको घर के सामने पहुंचा। हड़ाई ओझा सन्यासी को देखकर तुरंत इनको सष्टांग दंडवत प्रणाम किए और पूछे कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। हे सन्यासी को देखकर बड़े अतिथि को देखने से गृहस्थ लोग सोचते थे कि जो अतिथि आता है गृहस्थ के घर में इसको क्या सोचते हैं लोग, इसको साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप मानते थे। इसलिए उन्होंने प्रणाम करके उनको कहे कि हे ब्राह्मण हे सन्यासी महा हैं, कृपा करके हमारे घर में भिक्षा स्वीकार कीजिए। वो जो काम में जा रहे थे काम छोड़ के फिर वही सन्यासी को साथ में बैठे और दिन रात बीत गया केवल कृष्ण कथा चर्चा करते करते हैं। भक्त जब एक को मिलता है दूसरे भक्त को क्या करता है, कृष्ण के बारे में मत चीत मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्याम तुष्यंति च रमंति च हैं। तो इसलिए दोनों बातचीत करते करते पूरे रात दिन कैसा बीत गया हैं उनको पता नहीं चला। लेकिन ये लीला क्यों सन्यासी आया, लेकिन कि बीच में रहस्य ये था कि नित्यानंद प्रभु को भी पता लग गया कि अई गौरांग के आविर्भाव हो गया, जब ये 13 साल की उम्र में है कहाँ आविर्भाव हो गए, मायापुर में। इसलिए इन्होंने भी सोचते थे कि कुछ बहाना करके मुझे तो जाना पड़ेगा यहाँ छोड़ने के, यहाँ थोड़ी परमानेंट रहना है, मुझे कुछ ना कुछ बहाना करके यहाँ से जाकर किससे मिलना है, गौरांग से मिलना है। इसीलिए उन्होंने ही ये लीला किए। अद्भुत सन्यासी कहाँ से प्रकट हुआ, वृंदावन दास ठाकुर कहते कि ये नित्यानंद इच्छा से ही आया, क्योंकि गृह छाड़ी बारे प्रभु करिले न मन, गृह छाड़ी बारे प्रभु ना छाड़े जननी तात दुखेर कारण, ना छाड़े जननी तात दुखेर कारण, तिल मात्र नित्यानंदे ना देखिले माता, तिल मात्र नित्यानंदे ना देखिले जुग प्राय हे न बासे ततोधिक पिता, एक क्षण भी नित्यानंद के विच्छेद को हड़ाई ओझा और पद्मावती सहन नहीं कर पाते थे। माता पिता की ऐसा ही प्रेम को देखते हुए नित्यानंद भी उनको छोड़ भी नहीं पाते थे, लेकिन जानते थे कि मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि गौरांग की लीला में मुझे भाग लेना है। तो इसलिए सोचते इसका पहले मैं थोड़ा तीर्थ भ्रमण करूँगा और फिर घूमते घूमते नवदीप धाम में गौरांग के साथ मिलूँगा। इसलिए उन्होंने सोचे कि कैसे निकालूँ यहाँ से, शंकराचार्य जी वैसे निकलना चाहते थे, कोई निकलने उनको माता जी नहीं दे रही थी, तो इसलिए उन्होंने भी एक लीला किया। क्या लीला किए थे, मगर प्रकट हो गया, उनका पैर को पकड़ा है, पानी में स्नान कर रहे थे पकड़ लिया था, तो कहे कि महा देखे तुम यदि मुझे संन्यास लेने के लिए अलाउ कर देगा तो छोड़ देगा मुझे कौन। तो माँ बोला कि ऐसा ही तो मैं जाएगा, ठीक है तू संन्यास लो यदि तेरी जान बच जाए, बस मगर छोड़ के चला गया। अभी नित्यानंद प्रभु ऐसे ही बहाना करने लगे कि कैसे निकालूं, इसलिए उन्हीं की माया में से ही वो सन्यासी वो नित्यानंद प्रभु से अभिन्न था। विश्वरूप जो भी जरूर चैतन्य महाप्रभु बड़े भाई विश्वरूप है, वो नित्यानंद प्रभु का ही विस्तार है, वो संकर्षण ये बलराम की विस्तार संकर्षण ही चैतन्य महाप्रभु बड़े भाई विश्वम्भर के बड़े भाई विश्वरूप के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो जानते हुए ही ये नित्यानंद प्रभु का प्रकट हुआ था। तब इसीलिए दैवे एक दिन एक
सन्यासी सुंदर दैवे एक दिन एक सन्यासी सुंदर आइले न नित्यानंद जन केर घर आइले न नित्यानंद नित्यानंद पिता ताने भिक्षा कराइया नित्यानंद पिता ताने राखिले न परम आनंद युक्त हैया राखिले न गंतु काम सन्यासी हो इला उषा काल गंतु काम सन्यासी हो इला उषा काल नित्यानंद पिता प्रति न्यासी वर बोले नित्यानंद न्यासी बोले यही भिक्षा अच्छे अमार नित्यानंद पिता बोले जे इच्छा तुम्हार सन्यासी को आश्रय दिए और सन्यासी के पास में प्रसाद लेकर जाने के लिए नित्यानंद प्रभु को भी भेज देते थे कभी कभी और नित्यानंद को चेहरा को देखा सन्यासी बोला अच्छा ब्रह्मचारी मेरी असिस्टेंट बन सकता है ये हैं पूरा तो फिर दूसरे दिन के सुबह जब हुआ सन्यासी ने कहे कि मेरे के भिक्षा मांगना है आपको आप दोगो बेल की सत्य कर लो मैं जो मांगूंगा आप अवश्य देना हड़ाई ओझा कहे कि ऐसा क्या बात है आप सन्यासी महात्मा हो आए मैं मेरे प्राण तक भी यदि मांगोगे मैं आपको दे सकता हूं जो मांगना मांगो चिंता मत करो तो न सन्यासी ने कहा कि देखो ये तुम्हारे जो बड़ा पुत्र है ज्येष्ठ नंदन है इसी को मुझे दे दो क्योंकि मैं सन्यासी हूं भ्रमण में जा रहा हूँ तीर्थ भ्रमण कर रहा हूँ प्रत्येक दिन एक एक दिन के ही बीतता है मेरी और मेरा वस्त्र को तो धारण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले गए थे उनका भी थोड़ा ब्रह्मचर्य असिस्टेंट था ना कौन दक्षिण भारत के गश्त में तो काला कृष्ण था दास था वृंदावन आते आने के टाइम में बलभद्र भट्टाचार्य हैं उनके साथ में और भी एक ब्रह्मचर्य असिस्टेंट था तो इसलिए सन्यासी कहा कि मेरे को एक असिस्टेंट चाहिए ब्रह्मचर्य असिस्टेंट अब भ्रमण कर रहा हूँ और तुम्हारे बेटा भी अभी ये जवान हो रहा है मैंने अभी 12-13 साल किशोर अवस्था में हो गया और इसको भी मेरे दे दोगे तो इसको भी घुमाते घुमाते सारे तीर्थ भी भ्रमण सुब दे हैं करा दूंगा इसको भी सारे तीर्थ भारत के दर्शन करा के फिर लाके तुम्हारे पास छोड़ दूंगा हैं तुम्हारे बच्चे को चिंता मत करो मैं ये नित्यानंद को मेरे प्राण से भी अधिक हैं प्रेम करते हुए इसकी लालन पालन देख रेख करूँगा इसलिए मुझे ये दे दो हैं सन्यासी बोले करी बाऊ तीर्थ पर्यटन न्यासी बोले करी बाऊ तीर्थ पर्यटन संघतिया मार भाई नाही क ब्राह्मण संघतिया मार भालो नहीं को ब्राह्मण ए जे सकल ज्येष्ठ नंदन तुमार ए जे कत दिन लागी देह संघति आमार कत दिन ये लड़का को मुझे दे दो आपके बड़ा लड़का को हड़ाई उझा के सिर में क्या हुआ वज्रपात जैसे हुआ बोले कि ब्राह्मण मुझे क्या मांगा मेरा प्राण मांग लेना था लेकिन मेरे प्राण से भी अधिक कौन है नित्यानंद निताई को मांगा है ये मेरे प्राण भिक्षा कर लेता मैं इतना दुखी नहीं होता
निताय को मांगा, मूर्छित होकर गिर पड़े, कौन खड़े हो इतने सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़े शरीर में, आज कोई जैसे प्राण ही नहीं, आस्ते व्यस्त होकर सन्यासी इनको चेतना कराए, लेकिन बात में कहे कि सोचे क्या करूं मैं, दशरथ की है चिंतन की, दशरथ दशरथ की स्थिति ऐसा ही था, जो विश्वामित्र ने आकर इनको मांगे थे, कौन किसको, राम और लक्ष्मण को है ले जाना चाहते थे, है तड़का राक्षस को मारना कई काम था, तो उस समय दशरथ भी ऐसे ही स्थिति हो गया था, मूर्छित होकर गिर पड़े थे, लेकिन आपने रानियों को कौशल्या को सुमित्रा को पूछकर फिर इनको देना पड़ा, किसको, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ। उस घटना को स्मरण करते हुए ये हड़ाई ओझाने फिर अपने पत्नी के पास गए, मैं पद्मावती को जाकर पूछे क्या करूं, देखो ये वृंदावन ये कैसे आ गया, कहां से ब्राह्मण ये सन्यासी, मैंने उसके साथ तो कृष्ण कथा में बड़े आनंद ले रहा था, लेकिन आज जाने का समय में मुझे मांगा, मेरे प्राण से भी अधिक निताय को मांगा, इसको दे दो मुझे, नित्यानंद को, हाँ बोला परमानेंट नहीं, कुछ दिन तक लूंगा इसको, तीर्थ भ्रमण करा के फिर लाएगी घर में छोड़ूंगा। पद्मावती ने भी हाँ ये बात सुनकर मूर्छित हो गई, रोने लगी, लेकिन फिर भी शांत होकर कहे कि मैं तो आपके सहधर्मिणी हूं, आपका जो इच्छा है वो भी मेरा समर्थन करना, ये मेरी धर्म है, इसलिए आप जैसे चाहते ऐसा ही करो, मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को सुनकर फिर आते हैं कौन, हड़ाई उझा आकर नित्यानंद प्रभु के हाथ को पकड़ के लाकर उस सन्यासी के हाथ में अर्पण कर देते हैं। नित्यानंद प्रभु भी कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा, ये माँ पिताजी माताजी रोते थे, लेकिन नित्यानंद नहीं रोते थे, सो करने कराने वाले तो वही थे, उनको जाने का था ही है, वो ने कोई रोए नहीं, घूम के भी देखे नहीं, सन्यासी चला सन के साथ चल दिए। हैं वृंदावन दास ठाकुर कहते कि यहाँ तक घूम के भी नहीं देखे, घूम के भी गांव वाला क्या बोल रहे सोच रहे कि माता माता पिता क्या सोच रहे, घूम के भी नहीं देखे, हैं बस सन्यासी के हाथ पकड़ा दिए, जो उनके पिताजी लग रहे पकड़ा दिए, बस चल दिए। हैं इसी प्रकार उन्होंने नित्यानंद के साथ सन्यासी, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर कहते कि ये सन्यासी कहाँ रे आया, कुछ ठिकाना नहीं है, है? क्योंकि बात में और सन्यासी के बारे में कोई पता नहीं रहा है। सन्यासी इनको लेकर पहले बक्रेश्वर महादेव वहाँ प्रसिद्ध है, वो महादेव के पास में गए, यहाँ से जाते जाते फिर वो काशी वाराणसी आदि तीर्थ भ्रमण करते करते पूरे दक्षिण भारत में सर्वत्र तीर्थ भ्रमण करा के आए गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो पुरी में रहते थे बार बार कहते थे मेरे भाई विश्वरूप सन्यास लेकर कहाँ चला गया, शंकरारण्य नाम लेकर, मैं थोड़ा भाई को ढूंढना है, मेरे भाई का खबर भी लेना, ऐसा कहकर दक्षिण भारत की गश्त में निकल गए थे, नहीं तो उनको परमिशन नहीं देते थे सर्वम भट्टाचार्य जैसे रामानंद राय, ये सब उनको आदेश नहीं दे रहे थे जाने के लिए, निकल गए थे। तो जाकर जब पंढरपुर में पहुँचे, पंढरपुर में सुने किस प्रकार विश्वरूप इनके बड़े भाई विश्वरूप और नित्यानंद एक शरीर में हो गए थे, वो विश्वरूप, इसलिए कई कहते कि वही विश्वरूप ही शंकरारण्य था। बाद में पंढरपुर में ये शंकरारण्य से शंकरार जो नित्यानंद प्रभु का ही विस्तार थे संकर्षण अवतार, तो वो नित्यानंद में ही समा गए, इसलिए विश्वरूप महोत्सव कहते विश्वरूप महोत्सव। ये विश्वरूप महोत्सव कोई कहते विश्वरूप जी की अंतर्ध्यान होना नित्यानंद के शरीर में, कोई कहते नहीं एक ही तिथि में नहीं, विश्वरूप जी का आविर्भाव भी था उनके नित्यानंद के शरीर में हैं तल्लीन हो जाना था, इसी विश्वरूप महोत्सव के दिन ही प्रभुपाद जी ने क्या लिए थे, संन्यास लिए थे विश्वरूप महोत्सव के दिन। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु फिर घर बार छोड़ के कहाँ पहुँच चले गए, वो सन्यासी के साथ गए और बाद में अकेले बन गए हैं, वो सन्यासी भी इनके साथ में मिल गया, वो एक ही नित्यानंद पर अकेले नित्यानंद भ्रमण करने लगे, पूरे दक्षिण भारत में पूरे भारत में भ्रमण किए। हैं कब तक क्लास चलेगा, क्लास का टाइम कितना था, कब तक कोई मैनेजमेंट है, कब तक क्लास चलना है, अभी क्या टाइम हुआ घड़ी, हैं 10 मिनट है, 9:45 तक है, साढ़े अभी कितना टाइम और क्लास चलेगा, अभी सवा नौ हो गया, आधा घंटा ठीक है। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण में निकले,
तीर्थ भ्रमण में वर्णन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव है, इसके बारे में तो हम थोड़ा बहुत चर्चा किए कैसे आविर्भाव हुआ उनकी एकचक्राव में। लेकिन इसके साथ साथ नित्यानंद प्रभु बलराम के रूप में तत्व भी थोड़ा आपको जानना चाहिए। कुछ नए लोग हैं जिनको तत्व भी जानना चाहिए, किसके बारे में? नित्यानंद प्रभु के साथ में गौरांग की क्या संबंध है, व कृष्ण बलराम क्या संबंध है। तो इसलिए कहते कि ये स्वयं अपने को विस्तारित करके ही सभी प्रकार की सेवा करते हैं। जैसे कहते कि ये संकर्षण के रूप में ही पहला विस्तार इनके ही जो जो मूल रूप में जो नित्यानंद है, ये स्वयं बलराम है, और ये नित्य गोलोक वृंदावन जो जहाँ पर वैसी गोलोक वृंदावन में ही राधा कृष्ण की लीला तथा गौर लीला एक साथ में चलता रहता है। से गौर लीला में वही बलराम किस रूप में है? नित्यानंद के रूप में, मूल संकर्षण के रूप में इनको मूल संकर्षण के रूप में बलराम बा नित्यानंद के रूप में सदा कृष्ण के साथ में बा गौरांग के साथ रहते हैं। लेकिन ये जो इनके दूसरे विस्तार जो उन चतुर्भुज के रूप में आप स्वयं को विस्तारित करते हैं कृष्ण जो संकर्षण नहीं सॉरी वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये जो द्वितीय संकर्षण रूप में वही नित्यानंद वैकुंठ जगत में एक वैकुंठ जगत में एक प्लैनेट में रहते हैं वहाँ पर इनको कहते महासंकर्षण। क्या कहते? महासंकर्षण। इसी महासंकर्षण से ही तीनों विष्णु अवतार आते हैं, कारण दोकसाई विष्णु, गर्भ दोकसाई विष्णु, क्षीर दोकसाई विष्णु। यही नित्यानंद स्वयं ही कृष्ण केवल बस नित्यानंद को अपने शरीर से बलराम को प्रकट करने के बाद उनका काम नहीं है। कृष्ण का काम सिर्फ गाय चराना और रास रचाना। लेकिन बलराम जब उनके शरीर से प्रकट हो गए तो फिर बलराम सब आगे कार्य को बढ़ाते हैं तब कृष्ण की इसलिए बड़े प्रिय हैं कृष्ण का। ये ही फिर महासंकर्षण रूप में, फिर महासंकर्षण से फिर तीनों को उन्होंने अपने को विस्तारित करके ये तीनों पुरुष अवतार में आते हैं। कारणार्थ को सही विष्णु के रूप में कारणार्थ सागर में शयन करके रहते हैं, ये भी वही नित्यानंद का ही विस्तार है। जिनकी लोमकूप से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, ये जो ब्रह्मांड के जो उत्पन्न होता है तो फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में वही नित्यानंद प्रभु गर्भद कसाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, और उनके नाभि कमल से नाभि से कमल उगता है, उसमें से कौन उत्पन्न होता है? ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, और वही नित्यानंद प्रभु फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक वैकुंठ रहता है। इसको प्रत्येक ब्रह्मांड में जो वैकुंठ होता है उसमें क्षीर सागर होता है, जिस क्षीर सागर में क्षीर दोकसाई विष्णु शयन करते हैं। क्षीर दोकसाई विष्णु भी नित्यानंद प्रभु का ही विस्तार है, इसी रूप में वर्णन करते कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इसलिए संकर्षण जो मूल संकर्षण है जो महासंकर्षण जो वैकुंठ जगत में रहते हैं, जो कारण दोकसाई विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं, जो गर्भ दोकसाई विष्णु जो ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, जो क्षीर दोकसाई विष्णु के रूप में क्षीर सागर में रहते हैं, जो सारे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में जो निवास करते हैं क्षीर दोकसाई विष्णु, जिन्होंने अवतार के समय में अवतरण मत्स्य कुर्मा आदि अवतार लेकर भी राक्षसों को वध करते संतों को पालन करते हैं, ये सभी किसके विस्तार है? नित्यानंद बलराम का ही विस्तार है। इसलिए नित्यानंद प्रभु कोई साधारण ऐसा ही नहीं समझना, ये पांच रूप में विस्तारित होते हैं, संकर्षण कारण दोकसाई गर्भ दोकसाई और क्षीर दोकसाई विष्णु, और अंत में और भी एक इनकी विस्तार है, क्या है? अनंत शेष है, शेषस्य यस्य सखला। ये अनंत शेष के रूप में अपने अनंत मुखों में अनंत सज्जा में भगवत तो शयन करते भगवान, लेकिन अनंत मुख में उन्होंने भगवान की लीलाओं को सृष्टि के प्रारंभ से आज तक भी गायन करते जा रहे हैं, गा रहे हैं, उस लीलाओं की कभी समाप्त नहीं होता है, अभी तक भगवान की लीलाओं को गायन करते रहते हैं। इसी अनंत शेष के रूप में ही नित्यानंद बलराम व नित्यानंद प्रभु अपने फणे पर किसको धारण करके रखते हैं? अशेष कोटि ब्रह्मांड को भी धारण करके रखे हैं, एक एक ब्रह्मांड एक सरसों की दाना के समान उनके सिर पर रहता है। यदि वो खाली फणे को ऐसे थोड़ा हिला देंगे तो क्या होगा? वो कितनी विराट स्थिति है उनकी, ऐसे अनंत शेष के रूप में एक दृष्टि से तो सारे ब्रह्मांड को सिर में धारण करके रखे हैं, और साथ साथ उन्होंने गुणगान करते रहते हैं भगवान के गौरांग की बा कृष्ण की गुणगान करते रहते हैं दिन रात, और साथ साथ इन्होंने सभी प्रकार की सेवा भी करते हैं। किनकी?
नित्यानंद प्रभु गौरांग की बा कृष्ण की सभी प्रकार की सेवा करते हैं। ये सभी आप जो कुछ देखते हैं मंदिर में सब कुछ नित्यानंद। मंदिर जो हम कहीं निर्माण करते हैं सबसे पहले किसको स्थापना करते हैं? पहले आनंद से इसको धारण कर वो पूरा मंदिर को धारण करके रखते हैं। ये मंदिर भी वैकुंठ से अभिन्न है इसलिए इसको भी धारण करके कौन रखा है? आनंद शेष के रूप में नित्यानंद प्रभु ही है। इसलिए जो कुछ आप देख रहे हैं वैकुंठ में धाम सब कुछ वो नित्यानंद प्रभु है। ब्रजधाम के रूप में तथा नवदीप धाम के रूप में नित्यानंद प्रभु ही स्वयं को विस्तारित करके रखे हैं। जब ये मंदिर भी देख रहे हैं राधा रास बिहारी मंदिर, इस मंदिर की जो विस्तार है ये कौन है? ये नीचे आप भूमि पूजन करके अनंत से इसको स्थापना किए हैं वही सबको धारण करके उन्हीं का ही विस्तार है ये मंदिर। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि छत्र पादुका सज्जा उपधान वसन आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन ए तो मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे कृष्णेर शेषता पाया शेष नाम धरे। भगवान के जितने भी सेवा है ये अकेले ही सब कर लेते हैं कौन? आनंद शेष के रूप में नित्यानंद है। कोई भी शेषा कोई भी सेवा बाकी नहीं रखते हैं इसलिए उनके नाम ही शेष है। सारे सेवा को शेष कर देते हैं। यदि आपको कोई सेवा चाहिए भगवान की तो फिर इन्हीं के शरण में गए हैं, गए बिना आपको कोई भी सेवा मिलने वाला नहीं है। सारे सेवा इनका ही यही सेवा अधिकारी है। ये छत्री के रूप में है भगवान की जो छत्री के रूप में बस सिंहासन जो देख रहे हैं भगवान बैठे हुए ये सिंहासन कौन है? ये स्वयं संकर्षण नित्यानंद ही है हैं बलराम। छत्र पादुका भगवान की जो चरण कढ़ाऊ जो पहन रहे हैं ये कढ़ाऊ कौन है? ये भी वही नित्यानंद राम है वही कढ़ाऊ के रूप में। सज्जा के रूप में भगवान की जो सज्जा अनंत सज्जा के ऊपर भगवान सोते हैं हम जो सज्जा बनाते हैं ये भी उन्हीं के ही विस्तार है। उपाधाना उनकी जो टकिया ये टकिया के रूप में भी नित्यानंद राम ही है। वसन जो वस्त्र भी भगवान पहनते हैं ये वस्त्र ही अनंत शेष है कि जो नित्यानंद ही है। इनके आराम जो कुर्सी को भी बैठाता आराम कुर्सी में बैठने के लिए जो हम हैं ये कुर्सी भी नित्यानंद प्रभु है। प्रोसेशन में लेके गए तो आसन में बैठाना पड़ता है उनको। आवास अर्थात ये मंदिर जिस घर जिसमें वो निवास करते भगवान वो घर भी नित्यानंद प्रभु ही स्वयं को विस्तारित करके घर बने। यज्ञ सूत्र जो उपवित है जो जैन उठा भगवान डालते हैं ये भी अनंत शेष है। इसलिए मैं देखा कई हमारे ISKCON में कुछ लोग है वो भगवान की महाजनेऊ को पहनना नहीं चाहते हैं। मैं एक बार एक भक्त बोला नहीं ये तो अनंत शेष है इनको कहाँ हम धारण करेंगे हैं तो भगवान के गले में रहने के लिए है? किसी ISKCON के किसी आचार्य ने अपने शिष्यों को कहा कि ये नहीं पहनना। कौन सा महाजनेऊ जो होता है अनंत शेष है साक्षात इनको तुम धारण करने के लिए योग्य नहीं हो लेकिन हम पहनते तो। लेकिन इसलिए जो कहते हैं यज्ञ सूत्र जो जनेऊ है भगवान का ये भी कौन है? अनंत शेष रूप में है नित्यानंद प्रभु ही है। सिंहासन यज्ञ सूत्र सिंहासन के रूप में भी वो नित्यानंद प्रभु ही स्वयं को विस्तारित करके सेवा करते। इसलिए जो कुछ भी कृष्ण की सेवा ये सारे सेवा अकेले नित्यानंद ही स्वयं को विस्तारित करके सारे सेवा करते हैं। यदि आप नित्यानंद की शरण नहीं जाओगे कैसे प्राप्त करोगे कृष्ण? है नो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नाय कैसे प्राप्त करोगे? आप सोचते हैं कि नित्यानंद को छोड़ के मैं प्राप्त कर लूंगा ये कैसे प्राप्त करोगे? संभव नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास कहते कि धरो निताय चरण दुखानी इनके चरण कमल को पकड़ो इनके चरण कमल को पक्का आश्रय किए बिना कृष्ण की सेवा तुमको मिलने वाला नहीं है राधा कृष्ण कोई भी सेवा है। इतना ही नहीं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ये नित्यानंद बलराम सभी रस में भी भगवान की सेवा करते हैं है? कौन सा रस में? इन्होंने शांत रस में भी सेवा करते हैं क्योंकि धाम के रूप में व मंदिर के रूप में वो स्वयं को प्रकट किए हैं जिसके आश्रय करके भगवान की लीलाएं प्रकट होता है। नवदीप धाम व वृंदावन धाम व राधा रास बिहारी के मंदिर ये सब ये किसकी प्राकट्य है? नित्यानंद ही स्वयं को विस्तारित करके रहे। इसी रूप में उन्होंने शांत रस में भी भगवान की सेवा करते हैं। इन्होंने दास के रूप में भी अभिमान रखते हैं कि मैं चैतन्य रा दास स्वामी चैतन्य रा
दास, आमारे किनिया लह भज गौर हरि। ये दास के अभिमान रखते हैं, दास भाव से भी सभी प्रकार की सेवा करते हैं। जैसे बलराम जी के अभिमान था, मैं कृष्ण के दास हूँ, कई उदाहरण उसके बारे में है, समय नहीं है, लेकिन इस प्रकार दास के रूप में भी अभिमान रख के वो सदा अपने को चैतन्य के दास, कृष्ण के दास ऐसे अभिमान करके ही उनके आदेश को पालन करते हैं। वो आदेश दिए कि सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ई भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो उनको आदेश पालन करके फिर वो घर घर में जाकर प्रचार कर रहे थे। इसलिए दास अभिमान भी इनके पास रहता है, दास के रूप में सभी प्रकार की सेवा करते हैं। कभी जरूरत पड़ते तो कृष्ण के मने गौरांग की जब भी महाप्रकाश लीला में उन्होंने भी छत्री धारण करी खड़े रहते, कौन नित्यानंद है बाजू में, दक्षिणे निताय चांद बामे गदाधर। इसके साथ साथ उन्होंने अपने मन में इस भी सखा के रूप में भी भावना रखते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि कभु गुरु कभु सखा कभु भृत्य लीला पूर्वे जेनो तीन भावे ब्रजे कैल खेला। कभी कभी सो अपने गुरु, कभी सखा, कभी भृत्य लीला भी करते हैं, कभी दास के रूप में सोचते हैं, कभी सोचते हैं कि मैं सखा हूँ। साक्ष्य रस में जैसे कृष्ण बलराम दोनों भाई भाई होते हुए भी साक्ष्य रस में भी संबंध था, क्योंकि जाते थे साथ में गाय चराने के लिए, गाय बछड़ा चराने के लिए जंगल में जाते थे, तो कुश्ती कसरत भी करते थे, कभी खेलते थे, दो पार्टी हो जाता था, एक बलराम का पार्टी दूसरा कृष्ण का पार्टी। प्रलंबासुर को जो वध हुआ कैसा हुआ, प्रलंबासुर किसका पार्टी में था, कृष्ण की पार्टी में था, बलराम का पार्टी में सीताराम आदि थे, बलराम का पार्टी जीत गया तो हारने वाला को जीतने वाले का पार्टी का व्यक्ति को कांध में बैठा के लेना पड़ता था, इसलिए प्रलंबासुर बैठाया था किसको, बलराम को। क्या हुआ देखा कि लेके भागना चाहता था, कहीं क्या, अरे कहाँ जा रहा, ये तो मेरे साथियों से मुझे अलग कर रहा, भाई कौन है ये, थोड़ा देखे इसको, देखे राक्षस तौर पर, फिर आपने वजन को बढ़ाया ये और वहन करना संभव नहीं हुआ, वो बलराम को कहाँ से उठाएगा, तो खेल में से खेल रहे थे उठा लिया था, लेकिन जब आपने स्वरूप वजन बढ़ाए तो फिर ये भी को देखा कि धारण नहीं कर पाया, आपने स्वरूप को प्रकट किया, राक्षस देखकर बलराम जी ने कांध में ही बैठे थे, एक मुट्ठी मारे उसके सिर में बस, वही खून वॉमिटिंग करके हैं, उल्टी करते हुए खून गिर गया नीचे आए, धाट गिरा। इसलिए नित्यानंद प्रभु सखा के रूप में कभी कभी कृष्ण के साथ में खेलते हैं, गोचारण लीला में जाते हैं, कुश्ती कसरत में खेलते हैं, कई प्रकार के, लेकिन कभी कभी उन्होंने बड़े भाई का भूमिका भी निभाते, इसलिए कौन सा रस में सेवा करते हैं, वात्सल्य रस में बड़े भाई की लीला करते हैं, और इसलिए कहते कभी कभी वो गुरु बन जाते हैं, उनको आदेश भी देते हैं किसको, जो रुक्मिणी को हरण करके भगवान आ रहे थे, और भगवान ने जो देखे कि रुक्मी उनका रुक्मिणी का भाई पीछे पीछे जा रहा है, तब लड़ाई करना चाहता भगवान से, भगवान ने इसको लड़ाई भगवान से क्या लड़ाई करे, भगवान ने इसको परास्त करिए, एक क्षण में इसका सब बाल को क्या किए थे, खपचे खपचे काट दिए थे, ऐसे खपचे खपचे करके, क्योंकि साला और बहनोई का संबंध है ना, थोड़ा मजाक भी होता है, ऐसे काट के फिर रुक्मी को बांध दिए रथ का पीछे, एक घिसड़ के जा रहा था रथ के, बलराम आए, बलराम आके देखे कि अरे क्या हो रहा है, ये क्या कर दिया तुम कन्हैया, ये क्या, ये हमारा संबंधी बन गया ना, जैसे भी हो संबंधी बन गया, ऐसा करना ठीक नहीं है, बलराम आके इसको खुल दिए किसको, और रुक्मिणी के सामने थोड़ा रुक्मिणी को खुश करने के लिए थोड़ा कृष्ण को भी डांटे, ऐसा करना ठीक नहीं है तुझे, कभी कभी बलराम जी को अधिकार होता था कन्हैया को थोड़ा डांटना है, डांटते थे, क्योंकि माँ जसोदा भी जो गोकुल में थे, माँ जसोदा भी कहते थे कि दाऊजी ने के बलराम देख इसको लेके जाना, किसको, कन्हैया को साथ में रखना, बड़ा नटखट है, डेली 50 कंप्लेन मेरे पास आता है, मैं तेरे भरोसा में छोड़ता हूँ, बलराम इसके देखभाल करना, किसका है, कन्हैया का। तो बलराम कहते थे कि चिंता मत करो माया, मैं हूँ इसको देखभाल करूँगा। तो कभी कभी बलराम बड़े भाई के नाते हैं, वात्सल्य भाव, छोटे भाई कन्हैया को समझते हो, कन्हैया छोटा है इसलिए वात्सल्य भाव से रखते थे। ऐसे ही गौर नित्या की लीला में भी नित्यानंद के ऊपर इनके ऑर्डर नहीं चलता था, किनका, गौरांग महाप्रभु की, वो नहीं सुनने, कभी सुने कभी नहीं सुने
कभी सुनते कभी भी नहीं सुनते थे, महा गौरांग महाप्रभु कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको उनको टका है। कभी कभी हरिदास को बोले क्या कर लेगा तेरे गौरांग मेरा है, मैं किसी को नहीं डरता हूँ। कभी कहते कभी उनको मानते थे, कभी ऐसे कहते थे है, छिलंग लगा देंगे गंगा में मगर को पकड़ने के लिए, हा करके बोले है, बोले अरे कौन क्या मरे कर लेगा, अदे तो क्या कर लेगा ना, गौरांग क्या कर लेगा, मैं अपना है। तो कभी कभी ऐसे ही बात से ले मैंने बड़े बड़े सोचकर अपने को, बड़े भाई है ये चैतन्य लीला में भी ये कम से कम 13 साल हैं बड़े थे, ये किसी मानते नहीं थे हैं, इन्हें दंड भी तोड़ के फेंक दिए, किसका है गौरांग महाप्रभु का है, कोई डर नहीं है। दंड भंग का लीला अभी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बड़ा हो जाए लंबा हो जाएगा, लेकिन इन्होंने इस प्रकार कभी कभी अपने को बड़े भाई बड़ा बड़ा सोचकर वात्सल्य भाव से भी है भक्ति करते थे, इनकी सेवा करते थे, शांत रस में, दास्य रस में और साख्य रस में और वात्सल्य भाव से है। ये तो भागवत में बहुत सुंदर उदाहरण दी गई कैसे कौन सा रस में कैसे उन्हें सेवा करते थे तभी लेकिन मैं ये सब अभी पढ़ने में लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार लेकिन किसी आचार्यों की ये भी मत है कि ये जो बलराम जी बा नित्यानंद प्रभु उनका ही विस्तार है, नित्यानंद की शक्ति कौन है, नित्यानंद की शक्ति कौन है, जाह्नवा है, जाह्नवा वसुधा, ये दोनों तो जाह्नवा वसुधा दोनों नित्यानंद के पत्नी है। तो जाह्नवा माता को अनंग मंजरी कहते हैं, ये कौन है अनंग मंजरी, कौन है राधारणी के छोटे बहन है अनंग मंजरी। इसलिए कहते कि ये अनंग मंजरी जो होता है ये भी बलराम का ही विस्तार है, इसलिए अनंग मंजरी के रूप में भी राधा कृष्ण की लीला में माधुर्य लीला में भी भाग लेते हैं, कौन बलराम। इसलिए बलराम प्रत्येक रस में भगवान की सेवा करते हैं, शांत दास्य साख्य वात्सल्य तो पूरा दिखाई पड़ता सीधे, और कभी कभी उन्होंने गुप्त भाव से छुप कर भी है कौन सा लीला में भाग लेते हैं, अनंग मंजरी के रूप में राधा कृष्ण की लीला में भी भाग लेते हैं। हम कहेंगे भाई ये क्या है, हम तो राधा रानी की शरण में चले जाएंगे और भक्ति करेंगे, बलराम क्या है हैं, हम तो कहते राधे राधे बस, राधे राधे बोलो वृंदावन में हैं, राधा रानी के शरण में जाएंगे, लेकिन इनको पता नहीं कि राधा रानी और नित्यानंद में बहुत परस्पर को बहुत सम्मान करते हैं। जैसे गौर गदा, जैसे चैतन्य लीला में गदाधर पंडित और नित्यानंद, नित्यानंद कहते यदि गदाधर के कोई द्वेष करता मेरी भक्ति करता गदाधर को नहीं मानता, मैं स्वयं मेरे चरण में इसको निकाल दूंगा भगा दूंगा। गदाधर पंडित भी कहते हैं यदि मुझे कोई पूजा करता है नित्याय को नहीं मानता है मैं इसको मेरे चरण में कभी भी आश्रय नहीं दूंगा, इसको भगा दूंगा। इसलिए मत सोचो कि आप नित्यानंद को बलराम को छोड़ के चले जाओगे राधारानी के पास है, राधारानी आश्रय नहीं देगी, दोनों में बहुत अच्छे मधुर संपर्क है, दोनों परस्पर को सम्मान करते हैं। गोवर्धन में तलहटी में यदि कभी कभी जाते बलराम आते देखते राधारानी के चरण चिन्ह है वो उस मार्ग में नहीं जाते, अपने मार्ग बदल देते हैं। यदि राधारानी में राधारानी देखती कि बलराम के चरण चिन्ह है फिर वो उस मार्ग में नहीं जाएगी, वो रास्ता बदल के दूसरे मार्ग में जाती है, परस्पर में सम्मान रहता है। हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा से दो गुरु हैं हमारे पास में, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। ये दीक्षा गुरु परंपरा है क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के है, मैंने प्रभुपाद जी के तो दीक्षा शिक्षा गुरु दोनों ही भक्ति सरस्वती ठाकुर थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुरु है दीक्षा गुरु कौन है, गौरी किशोरदास बाबाजी महाराज। ये गौरी किशोरदास बाबाजी महाराज के दीक्षा परंपरा जाकर जाह्नवा माता से पहुँचती है, कहाँ पहुँचती है नित्यानंद शक्ति जाह्नवा से। इसलिए जाह्नवा माता कौन है, अनंग मंजरी, ये राधारानी के छोटे बहन का ही अवतार हैं। तो इसलिए हमारा जो दीक्षा परंपरा जाकर वहाँ पहुँचती है अनंग मंजरी से, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिक्षा गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, और ऐसे परंपरा जाकर रूप गोस्वामी से पहुँचता है हैं। इसलिए शिक्षा परंपरा हमारा कहाँ जुड़ा हुआ है, रूप गोस्वामी रूप मंजरी से राधारानी के साथ जुड़ा हुआ है, और दीक्षा परंपरा अनंग मंजरी से जाकर बलराम से जुड़ा हुआ है, नित्यानंद से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दोनों गुरु चाहिए, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। दीक्षा न लिए कोई भगवत धाम जाएगा, इसलिए दीक्षा लेना है तो हम जो दीक्षा ले रहे हैं परंपरा से
ये दीक्षा परंपरा उन्हीं से आई है। नित्यानंद प्रभु, जाह्नवा माता, वहीं से आकर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद। इसलिए है ना निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाईते ना है, ये मत सोचो कि नित्यानंद के चरण को छोड़कर डायरेक्ट राधारानी के शरण में चले जाओगे, राधारानी को भी आपके चरण में नहीं रखेगी। ब्रजधाम के रूप में स्वयं बलराम ही स्वयं को विस्तारित करके रखे, व नवदीप धाम के रूप में स्वयं नित्यानंद ही विस्तारित करके नवधाम नवदीप धाम रूप में प्रकट हुए। भाई राधा राजबेरी मंदिर में ये भी नित्यानंद का ही विस्तार है, बलराम की विस्तार है। अनंत शेष के रूप में वही धारण कर रहे हैं, नीचे भूमि पूजन किए थे इनको स्थापना करके, ये सबको वही धारण करके रखे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हे न निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नाय, दृढ़ करी धरो निताय रिपाय, निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। इसलिए हमारे आचार्य लोग इसके इसी पर बल देते हैं, तो इनको आश्रय करना चाहिए। नित्यानंद की कृपा के बिना हम कभी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते हैं। गौरांग बार बार कहते कि यदि कोई निताय को नहीं मानता है मैं स्वयं अपने चरण से इसको निकाल देता हूं। कौन कहे हैं? गौरांग महाप्रभु कहते हैं है? तो इसलिए हमें कभी भी नित्यानंद के चरण में यदि थोड़ा सा भी किसी को कोई गौरांग को मानता है और नित्यानंद को मानता नहीं, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि मेरे उनके बड़ा भाई था और वो किसको मानता था? गौरांग महाप्रभु को मानता था, लेकिन नित्यानंद को मानता नहीं था, इसलिए उसकी सर्वनाश हुआ है। स्वयं अपना अनुभूति को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहानी के रूप में बताते हैं, जो चैतन्य चरितमृत के आदि लड़ा के जो नित्यानंद महिमा की वर्णन होता है पांचम अध्याय, उसके अंत में बताते हैं कि नौहाटी जिला में नौहाटी गाँव के पास में काटुआ जिला में झामटपुर नाम के गाँव जो कि नौहाटी के पास में था, उसी गांव में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मकान था, घर था। दो भाई थे, इनके बड़े भाई गौरांग के महान भक्त थे हैं। अपने घर में 24 घंटे कीर्तन होता था, 24 आवर्स कीर्तन हैं। तो उन्होंने एक बार मीनकेतन रामदास जो कि नित्यानंद प्रभु के ही पार्षद थे, द्वादश गोपाल में से एक गोपाल माने जाते थे, उनको निमंत्रण दिया था। निमंत्रण प्राप्त करके वो आए कीर्तन में, लेकिन वो तो सब प्रेम में मत्त रहते थे, किसके कान में चढ़ जाते थे, किसको थप्पड़ लगा देते थे, जय निताय जय गौर ऐसे कहते, कभी कभी पागल की तरफ हुंकार करते थे। लेकिन इनको देखकर उस गांव उनकी गांव जो कीर्तन चल रहा था, एक छोटा डेटी रूम भी था, वो डेटी में राधा कृष्ण की डेटी को विग्रह को सेवा करता था एक पुजारी, उसने गुणार्णव मिश्र नाम था, उसने इनको देखकर सम्मान नहीं किया, किनको? मीनकेतन रामदास को। इसलिए कहते कि जो पुजारी कोई अल्टर में रहता है, कोई विशेष वैष्णव है, कोई आचार्य जी की भूमिका निभा रहे, कोई ऐसे आप पधारता है, तो पुजारी को अपने पूजा कार्य छोड़ के भी आकर एक माला इनको देना चाहिए, बाकी थोड़ा फूल दें, उनको थोड़ा सम्मानित करके फिर जाके अपने सेवा में रहें। गुणार्णव मिश्र ये मीनकेतन रामदास को कोई सम्मानित नहीं किया, इसलिए मीनकेतन रामदास थोड़ा कहे कि अरे ये तो दूसरा कौन, दूसरा रोमो और सुना है, जैसे बलराम को देखकर सम्मान नहीं किया था, ऐसे कहे, लेकिन वो उसको माइंड नहीं किया, ब्राह्मण भी पूजा में लगा हुआ था, वो भी हंस दिया और अपने काम करते रहा। लेकिन मीनकेतन रामदास फिर ऐसे ही गए और कीर्तन में शामिल हुए, बहुत नृत्य कीर्तन करते थे और नृत्य कीर्तन करते करते जब संकीर्तन समाप्ति हो रहा था, तभी उन्होंने वहाँ से जो आ रहा था, उनके कृष्णदास कविराज के बड़े भाई के साथ थोड़ा इनकी बातचीत हुआ, तो उनको पता लगा ये जो कृष्णदास की जो बड़ा भाई है ये गौरांग को मानता है भगवान, नहीं कि निताय को नहीं मानता है, हैं? एक आत्मा दो शरीर, ये तो अर्ध कुकुटी नाय है, यदि कोई मुर्गा डिंब देता कहां से, पिछले भाग से, इसलिए कहोगे इसके गर्दन खट के ऊपर भाग को फेंक दो, हैं? तो बड़े मीनकेतन दास कहे कि अरे, उनको समझाने के लिए प्रयास किया, लेकिन ये समझा नहीं, वो गौरांग को मानता नीताय को नहीं मानता, इसलिए क्रोधित होकर अपने बांसुरी को लाठी को तोड़ दिए, कौन? मीनकेतन रामदास, तोड़ के फेंक दिए, उस घर छोड़कर इनके घर दुखी होकर बाहर आ गए। उसी से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने भाई को डांटा, ले क्या कर रहा था, एक को मानता नहीं दूसरे को नहीं मानता, अरे यदि तू ऐसे ही नास्तिक बन गया तो दोनों को छोड़ के नास्तिक बन जा,
पाखंडी बन जा, लेकिन एक को मानता और दूसरे को नहीं मानता, गौर को मानता निताय को नहीं मानता, तू भंड है, हैं? ऐसा ठीक नहीं है, हैं? एके मानो अन्य न मानो यही मत भंड, भंड ऐसे नहीं बनना, हैं? ऐसे कहकर भाई को बहुत डांटे कौन, कृष्णदास कवराज गोस्वामी। उसी रात में नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आए। कृष्णदास कवराज गोस्वामी कहते कि मुझे मेरे अच्छा गुण को स्वीकार करके कि मैंने मेरे भाई को डांटा कि मैं नित्यानंद के निंदक था, नित्यानंद को गौरव के साथ नहीं मानता था, गौरांग की भक्त था लेकिन नित्यानंद की भक्ति नहीं करता था, इसी गुण को मैं जो मेरे भाई को डांटा था इसी को स्वीकार करके ही उस रात को नित्यानंद प्रभु सपार्षद स्वप्न में आए हैं। सारे ग्वाल बाल सखा उनके साथ में थे, सभी के हाथ में बांसुरी लाठी है पगड़ी सब था, बड़े प्रेम में उन्मत्त होकर सब नाचते थे गाते थे, कृष्ण गुण कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सभी कीर्तन करते थे नाचते थे गाते थे। ये अद्भुत देखा, उसके बीच में मैं नित्यानंद को देखा, चिक्कण शरीर श्याम चिक्कण शरीर और मुख में गौरांग के नाम बार बार कृष्ण नाम और गौरांग के नाम उच्चारण करते थे, गौरांग उर्ध्वभाव करते हुए नृत्य करते थे नित्यानंद प्रभु। और मैं स्वप्न में उनको सामने देखकर प्रणाम किया, कौन प्रणाम किए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते मैं इनको प्रणाम किया। मैं प्रणाम करते हुए देखकर नित्यानंद दयालु है कौतुकी, नित्यानंद अपने चरण को मेरे सिर पर धारण किया रख दिए, रखकर कहे कि आरे आरे कृष्ण जा कृष्णदास भय मत करना, इसी क्षण में चले जाए इस घर को छोड़ के, कहा वृंदावन, वृंदावन जाओ सर्वसिद्धि है, वृंदावन जाने से तुम्हारी सर्वसिद्धि प्राप्त होगा तुझे, मेरे आशीर्वाद से तेरी यात्रा सफल हो जाएगा, तथा वृंदावन वास मिलेगा और तेरी जीवन सफल हो जाएगा, जाओ मेरे आदेश लेकर इसी क्षण में वृंदावन चले जाओ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि मैं उठा, ब्रह्म मुहूर्त हो गया था देखा, और नित्यानंद के आदेश को स्मरण करते हुए उसी मुहूर्त में घर त्याग कर आ गया, कहाँ वृंदावन, वो नित्यानंद कृपा ही मुझे राधाकुंड के किनारे गोस्वामियों की स्नेह पात्र बनाकर निवास दिया, वो नित्यानंद की कृपा से ही ये गौर गुण गान करने के लिए चैतन्य चरितामृत को उन्होंने रचना किया, कौन कृष्णदास को, निताय के शक्ति नहीं होने से निताय के आशीर्वाद के बिना कोई भी गुणगान नहीं कर सकता, किसकी गौरांग की, वृंदावन दास ठाकुर के भी नित्यानंद प्रभु के शिष्य है, नित्यानंद का आदेश दिया इनको गौरव गुणगान करने के लिए, इसलिए वृंदावन वो वृंदावन दास ठाकुर लिखे कैसे कौन सा चैतन्य भागवत है, वही नित्यानंद की कृपा से ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे काव्य चैतन्य चरितामृत, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंत में कहते कि जगाई माधाई होते आमी से पापिष्ठ पुरीशर कीट होते आमी से लघिष्ठ मोहेन निर्घुण्य बा के बा दया करे एका नित्यानंद बिना जगत संसारे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाभागवत वैष्णव कहते कि मैं जगाई माधाई से भी अधिक पापी हूँ, काल हम कॉन्ग्रीगेशन क्लास में जगाई माधाई के उद्धार का चर्चा किए थे, कहते जगाई माधाई से भी मैं अधिक पापी हूँ, और सड़े हुए पानी के नाली में जो कीड़े पड़ जाते हैं वो कीड़े से भी मैं अधिक घृणित हूँ, इतने निर्घुण्य हूँ मैं, मुझे कौन इस संसार में दया करने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे इनकी कृपा प्राप्त हुई, किसकी नित्यानंद की, मैं एकमात्र नित्यानंद चरण कमल को ही आशा रखा हूँ, लास्ट लिमिट ऑफ मर्सी, करुणा की अवधि निताय, करुणा की अंतिम अवधि है अंतिम सीमा है कौन नित्यानंद है, सारे दुनिया जिसको रिजेक्ट कर देता है, यहां तक कि कृष्ण भी रिजेक्ट कर दिए, किसको जगाई जगाई को कह के नहीं जगाई को तो रखे क्योंकि वो जब नित्यानंद कहे कि ये मेरी जान बचाया था, लेकिन माधाई को बोले कि नहीं, लेकिन जिसको कृष्ण ही रिजेक्ट कर देते हैं तो उसको भी आश्रय देकर रखते हैं कौन निताय, माधाई इनके शरीर को तोड़ा खून निकाल रहा था फिर भी उसको आलिंगन करके कहते थे कि बोलो भाई बोलो माधाई, अरे
मारा तो मारा, क्या हो गया उसमें? कुछ नहीं, मारा तो मारा, खून निकाला रहा, उसमें कुछ नहीं है। एक बार तो बोल क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कृष्णदास कवराज गोस्वामी कहते कि ए मैं जैसे ऐसे घृणित व्यक्ति को कौन आश्रय देता है संसार में? मुझे कोई आशा नहीं था कृष्ण के चरण में या राधारानी के चरण में या गौरांग के चरण में, केवल नित्यानंद ही मुझे चरण कमल में आश्रय देकर आए। इतनी बड़े पापी घृणित व्यक्ति को भी इतनी ऊपर ले लिया आए, महान गोस्वामी के पद पर अधिष्ठित करा के जिनसे उन्होंने चैतन्य के गुणगान कराया और चैतन्य चरितामृत को रचना कराया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ऐसे ही नित्यानंद के चरण को यदि कोई त्यागता है उससे दुर्भाग्य संसार में कोई नहीं है। धरो नितार चरण दुखानी है नित्यानंद गौरंग निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि वो। ओके, नित्यानंद गौरंग है अधे, नित्यानंद अधे, नित्यानंद गौरंग, नित्यानंद गौरंग, नित्यानंद गौरंग, नित्यानंद गौरंग, नित्यानंद गौरंग, नित्यानंद गौरंग, नित्यानंद नित्यानंद गौरंग गौरंग निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि वो। जय निताय। नित्यानंद की स्तुति स्वयं गौरांग महाप्रभु भी करते हैं। अंतिम स्तुति थोड़ा गा के नित्यानंद की बंद क्लास को समाप्त करेंगे। नामे नित्यानंद तुमी रूपे नित्यानंद, नामे नित्यानंद तुमी एई तुमी नित्यानंद राम मूर्ति मंत, एई तुमी नित्यानंद प्रसादे से हय विष्णु भक्ति, नित्यानंद प्रसादे से हय कृष्ण जानी ह कृष्ण र नित्यानंद पूर्ण शक्ति, जानी ह कृष्ण र नित्यानंद तिलार्ध के इहाने च रणे द्वेष रहे, तिलार्धि के जा हार द्वेष भक्त हईले से आमार प्रिय कभु न हे, भक्त हईले कसे आमार प्रिय। नित्यानंद बलिले हय कृष्ण प्रेमोदय, नित्यानंद बलिले हय कृष्ण प्रेम आउलाय सकल अंग अश्रु गंगा बय, आउलाय सकल अंगे तो नित्यानंद गौरांग महाप्रभु स्वयं ये स्तुति को गा रहे हैं। किसको स्तुति कर रहे हैं? नित्यानंद गौरांग महाप्रभु का कि आप नामे नित्यानंद, आपके नाम नित्यानंद, आपके रूप भी नित्यानंद है। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी है, कृपा अवलोकन करो अमी बड़ो दुखी,
कहते कि आपके नाम ही नित्यानंद, आपके रूप भी नित्यानंद है और आप सदा नित्यानंद में ही रहते हो, इसलिए आप तो स्वयं बलराम मूर्तिमंत बलराम हो, हैं कहते गौरांग महाप्रभु स्वयं नित्यानंद के स्वरूप को प्रकट करते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते कि नित्यानंद प्रसाद से हये कृष्ण भक्ति, नित्यानंद की कृपा होने से ही बद्ध जीव को क्या प्राप्त होता है, कृष्ण के चरण में भक्ति प्राप्त होता है। इसीलिए सभी लोग इसको जानो, मेरे मुख से श्रवण करके विश्वास करो, जानी हो कृष्ण और नित्यानंद पूर्ण शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति है कौन, नित्यानंद, इनकी कृपा नहीं होने से आप उनकी भक्ति नहीं कर सकते हो। तिलार्ध के यदि एक क्षण भी, एक तिल, तिल का आप समझते बहुत सूक्ष्म परिमाण के, यदि भी किसी के मन में थोड़ा सा भी द्वेष रहता है किसके, नित्यानंद के प्रति, वो गौरांग से नित्यानंद को भिन्न मानता है, अलग देखता है। ऐसा जो व्यक्ति यदि क्षण भी ऐसा ही सोचता है तो भी उसके प्रति द्वेष होता है, तो गौरांग कहते कि भक्त हो ही ले से हमारा प्रिय न है, यदि भी मेरी भक्ति करता है, गौरांग भक्त अपने को बुलाता है, वो कभी भी मेरी भक्ति नहीं कर सकता, मैं स्वयं इसको अपने चरण से निकाल देता हूँ, से हमारा प्रिय नहीं है, वो कभी मुझे प्रिय नहीं बन सकता। नित्यानंद बोल के जो हंकार, जो नाम लेता नित्यानंद की जोर से, नित्यानंद बोलकर जो पुकारता है, नित्यानंद बोली ले हये कृष्ण प्रेमोदय, है जोर जोर से कहता कि नित्यानंद, गौरांग महाप्रभु कहते कि जोर से करके, ऐसे ही यदि कोई जोर से ही नित्यानंद के नाम लेता है, हये कृष्ण प्रेमोदय, उसकी हृदय में कृष्ण की प्रेम उदय हो जाता है। वो कितने भी नास्तिक व्यक्ति क्यों न हो, उसकी आंख से प्रेम अश्रु की धारा बहने लगता है। जगाए माधाई इतने नास्तिक थे, लेकिन निताय की कृपा हुए तो वो भी प्रेम में मत हो गए। जिसको निताय कृपा होता है, गौर उसके प्रति अवश्य कृपा करते हैं। निताय यदि किसी को अपने आश्रय देते हैं, गौरांग इसको कभी भी भागा नहीं सकते हैं, चरण कमल में रखते हैं। लेकिन यदि कोई कोई गौरांग की डायरेक्ट आश्रय लेता, हो सकता है गौरांग इसको थोड़ा कुछ दोष करता है तो उसको हटा देते, काला कृष्ण नेचर ये, वो छोटा हरिदास को थोड़ा सा मिस्टेक के लिए अलग कर दिए, कौन महाप्रभु ने दोबारा स्वीकार नहीं किया, बोले चलो है? लेकिन काला कृष्ण दास तो उसके परिमाण में कितनी सारे दोष किया, किसके चरण में, गौरांग के चरण में है। गौरांग के चरण को छोड़कर भट्टाहारियों के साथ धन और स्त्री के लोभ में भाग गया, रात को सोया था गौरांग महाप्रभु के साथ में, और तांत्रिक भट्टारी लोग ने एक लड़की दिखाया, अच्छे लड़की, जवान लड़की, और धन दिखाया, मकान दिखाया, बोला ये मकान भी तेरा बन जाएगा, स्त्री भी तेरे, यही लड़की तेरी स्त्री बनेगा, और तू ये बाबा के साथ में जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है, इधर आ जाओ। रात में सोया था गौरांग महाप्रभु के साथ में, भाग गया काला कृष्ण दास गौरांग को छोड़ के, लेकिन फिर भी क्योंकि नित्यानंद की पार्षद था, ये गौरांग की पार्षद डायरेक्ट गौरांग के शरण में नहीं था, किसके शरण में था, नित्यानंद प्रभु के शरण में, और नित्यानंद प्रभु ने दिया था गौरांग महाप्रभु को असिस्टेंट बनाने के लिए दक्षिण भारतीय गस्त में। महाप्रभु ने कहे कि अच्छा मेरे आदमी होता तुझे यहीं छोड़ के जाता, तो मेरा नहीं है, किसका है, निताय का, दूसरे का, इसलिए वो तो मुझे जमींदारी है तुमको लेके, तो उसी के पास में छोड़ूंगा, बाद में कहूंगा कि मेरे साथ संपर्क नहीं है। इसलिए गौरांग महाप्रभु ढूंढते ढूंढते गए, काला कृष्ण को देखे कि भट्टाहारी के बीच में उनके घर में चला गया, वो लड़की के साथ रहता था, फिर भी भट्टाहारी लोग कहे कि अरे मेरा एक ही सर्वेंट है, इसको वापस करो, वो मेरा नहीं है, दूसरे का मेरा होता छोड़ दे जाता है, अरे दूसरे का है, वो दूसरा कोई मुझे दिया, इसको नित्यानंद ने दिया, इसलिए इसको मुझे वापस लेके उसको देना पड़ेगा, है दे दो। भट्टाहारी लोग ने मारने आए, सो खड़ग वो और ढाल त्रिशूल फेंके महाप्रभु के ऊपर, उल्टे जाकर उन्हीं के शरीर में लगा, वो खेत विखेत हो गए, भागे से उठर के बोले अरे ये तो कुछ हमसे भी ज्यादा तंत्र मंत्र जानता है, हम उसके ऊपर अस्त्र फेंकते हैं हमारे शरीर में लगता है, भाग गए सब, घर बार छोड़ी भाग गए, तो एकला रह गया कौन, काला कृष्ण है। सही प्रभु धन्य जे न छाड़े नहीं जजन है, नहीं सही भृत्य धन, सही भृत्य धन्य जे न छाड़े प्रभुर चरण, सही प्रभु धन्य जे न छाड़े निज जन है, सीखा पकड़ के खींच के लेके आए उसको, कहले मेरा रो रहा था जोर जोर से, बोला मेरा आदमी होता यहीं छोड़ के जाता है, तू निताय का, मुझे लेके देना पड़े निताय के चरण में तुझे, पकड़ के लेके आए इसको वापस ला के फिर दिए पुरी में जाकर, आकर निताय को कहे कि निताय इसका ये व्यक्ति ऐसा ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया,
तो बोला था ये अच्छा ब्रह्मचारी मेरी सेवा करेगा, है धन और स्त्री का लोभ में भाग गया मेरे को छोड़ के, अभी मेरे साथ इसका कोई संपर्क नहीं, तुम अपना इसको संभालो। लेकिन फिर भी नित्यानंद उसको भागा है नहीं, है नित्यानंद फिर भी इसको चरण में आश्रय देकर फिर भी अपने हरिनाम संकीर्तन में बंगाल में प्रचार कार्य में लगा दिए। हैं नित्यानंद बड़े दयालु है, लास्ट लिमिट ऑफ मर्सी, इसलिए कहते कि लास्ट लिमिट ऑफ मर्सी, दयारो अवधि निताय, दयारो अवधि अंतिम अवधि है, हैं अंतिम सीमा है। इसलिए नवदीप धाम इतनी औदार्य धाम है, क्योंकि निताय स्वयं को ही नवदीप धाम के विस्तारित करके रहे हैं। अब वहाँ गौरांग की है, गौरांग की इसको आश्रय नहीं देंगे तो ये आश्रय दे देते हैं, कौन निताय, नित्यानंद अपराध नहीं लेते हैं, अभिमान शून्य निताय नगरे बेढ़ाए हैं, है जो भी सामने आ गया इसको कुड़ाग्रत करते, हमारे किनिया लोहो भज गौर हरि, हैं ऐसे निताय अवधूत के शरणागत तो हुए भी ना कहाँ से हम, इसीलिए तो प्रभुपाद ने भी निताय को लेके आया, हमारा इस्कन में भी गोड़िया मठ में निताय नहीं है, कौन है गौरांग और राधा कृष्ण, श्री कृष्ण ने राधा कृष्ण न है अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य, लेकिन प्रभुपाद ने निताय को भी साथ में लाए, किसकी गौर के साथ, हैं कि हम सभी काला कृष्ण जैसे हैं, हमारा स्थिति कैसा है काला कृष्ण जैसे हैं, छोटा हरिदास जैसे हैं, हमको गौरांग नहीं तारेंगे, कौन तारेगा नित्यानंद है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि एक है एकमात्र मेरी आशा है किसके चरण कमल को नित्यानंद में, एमन एमन निर्गुण्य बा केवा दया करे एका नित्यानंद बिना जगत संसारे, है इसलिए सदगुरु उन्हीं का ही विस्तार है, श्रील प्रभुपाद जी ये नित्यानंद प्रभु का ही है, गुरु परम आदि गुरु नित्यानंद बलराम है और इनके ही गुरु उन्हीं का ही उन्हीं का ही विस्तार है, किनके नित्यानंद बलराम के ही है। इसलिए गुरु सदगुरु बड़े दयालु होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं बड़े दयालु है, हैं और गुरुदेव उन्हीं का ही विस्तार, नित्यानंद का ही विस्तार है, इसलिए वो दयालु है, इतनी दयालु है, कृष्ण से भी अधिक दयालु है, हैं जिसको कृष्ण बा गौरांग स्वयं चरण से निकाल फिर भी ये गुरु के शरण में आकर नित्यानंद के शरण में आकर ये भवसागर को पार कर सकता है। हरे कृष्ण निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल नित्यानंद गौरंग श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।